अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? परेशान हैं? ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती हैं, लेकिन जो आपकी फ़ैमिली है ना, उस पूरी फैमिली में हर किसी की अलग अलग फितरत, अलग अलग नेचर होती है। और एज़ माँ बाप आप ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि मेरा जो ये वाला बच्चा है ना, ये बहुत काइंड हार्टेड, ये अल्लाह मियाँ का बंदा है। कहते हैं ना कि अल्लाह का बंदा है ये, और ये वाला जो बच्चा है ना, उफ, हर वक्त लड़ता रहता है, हर वक्त जो है वो सख्त दिल है, रहम दिल नहीं है, उफ, बहुत ज़िद्दी है। मतलब आपको अपने औलाद की आदत का भी पता होता है, मगर फिर भी आप, ज़ाहिर है औलाद तो औलाद है, और ये पांचों उंगलियां, कहते ना एक मिसाल देते, जब हम अम्मा अब्बा से कहते थे आप हमसे प्यार नहीं करते, आप उस वाले बहन भाई से ज़्यादा प्यार करते, तो वो मिसाल देते थे, बेटा जब एक उंगली कटती है तो तकलीफ़ बराबर, कोई भी उंगली कटे तो तकलीफ़ बराबर ही होती। मतलब ये एक ऐसी मिसाल है जो अम्मा अब्बा दे रहे होते थे। लेकिन आप माने ना माने, एक कोई बच्चा होता है जो बहुत अच्छी रवैयों की वजह से माँ बाप के दिल में ज़्यादा घर कर लेता है। या तो वो कमज़ोर होता है चीज़ों में, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितने दूसरे बच्चे होते हैं, तो वो लाडला हो जाता है, या फिर अपने उन नेचुरली जो उसका रवैया होता है, उसकी फितरत होती है, उसकी वजह से वो माँ बाप के दिल का कहते ना कि सबसे ज़्यादा फेवरेट बन जाता है। अब जैसे आप अगर देखें तो आपके ख़ानदान में भी सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा पंगेबाज ज़रूर होता है जिसको आप कहते हैं कि उफ़ ये तो ख़ानदान के विलन हैं, है ना। और घर में भी ऐसे ही होता है, घर में हालांकि अम्मा जो है, अगर वो सख्त हैं और वो बच्चों की बेहतरी के लिए कोई सख्तियाँ कर रही होती हैं, तो सारे अब्बा समेत सब मिलकर अम्मा को विलन बना देते हैं। कभी अब्बा अगर ज़्यादा सख्ती कर रहे होते हैं और उनका ज़रा सख्त रवैया है, तो क्या, हाँ भाई घर के विलन आ गए, या कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई ऐसा होता है, तो पीठ पीछे घर वाले उसको यही नाम देते हैं, हाय हाय ये विलन हमारे घर में कहाँ से पैदा हो गया। तो ये ज़िंदगी में जब अच्छे बुरे लोग एक साथ होते हैं, तो कोई ज़्यादा अच्छा होता है, कोई थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन कोई ज़्यादा बुरा होता है और कोई थोड़ा बुरा होता है। ये सब चीज़ें तो साथ चलती हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से तो कहानियाँ डेवलप होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जब ना होगा तो वो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता, यही ज़िंदगी का सर्किट है। और इसी तरह के ड्रामे, फिल्में जब आप देखते हैं, और अगर उसमें खाली हीरो 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 हीरोइन हीरोइन हो, तो क्या मज़ा है ज़िंदगी का, जब तक उसके अंदर विलन नहीं हो, वो करारापन नहीं हो, वो ट्विस्ट ना हो, वो इवेंट्स ना हो, वो टर्नओवर ना हो, तो आपको कहानी का क्या मज़ा आएगा। चाहे वो किताब हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, हर जगह हीरो के साथ ऑपोजिट विलन तो ज़रूर होता है ना। वैसे इस वक्त मैं काइंडनेस की बात करना चाह रही हूँ, और उस काइंडनेस से फिर मैं आपको बताऊंगी ज़रा, जब मैं आपको ये पैकेजेस जो मैंने जमा किए हैं कि कुछ लोग फितरतन हमदर्द नेचर के मालिक होते हैं, मगर कभी कभार उनकी हमदर्दी उनको बड़ा कामयाब कर देती है, बड़ा नाम दे देती है, और कभी कभार कानों कान खबर नहीं होती किसी की हमदर्दी की, कि ये शख्स इतना हमदर्द भी हो सकता है। वो छुप छुपा के अपने सारे काम कर रहा होता है, लेकिन एक शख्स, एक हस्ती ऐसी है जिसको खबर रहती है, और वो है हमारे निज़ाम को चलाने वाली हस्ती, यानी खुदा, अल्लाह ताला को सबका पता होता है, सबके दिल का हाल मालूम होता है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे दुनिया के रहम दिल इंसान जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में ही कुछ ना कुछ बख्श दिया। अमेरिका की एक यख बस्ता रात में एक बूढ़ा फकीर 7-Eleven की दुकान में दाखिल हुआ। इस फकीर के पास पैसे नहीं थे। इस फकीर की हालत देखते हुए वहां पे काम करने वाली एक लड़की एवा लिम्स ने इसे गर्मा गर्म कॉफी पेश कर दी। ये बात जैसे ही इस स्टोर के मैनेजर को मालूम हुई, इसने लड़की को स्टोर से निकाल दिया, जिसके बाद इस लड़की ने अपनी ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, और देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, और इस लड़की को अचानक कई जॉब्स की ऑफर्स आने लगी, और जल्द ही इस लड़की को एक हाउसिंग कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की जॉब मिल गई, और इसकी नेकी का सिला बेहतरीन सैलरी पैकेज की सूरत में इसको मिल गया। कृष्णामी लड़का जब पैदा हुआ, इसे शदीद बुखार था, इसकी जिंदगी खतरे में थी।
हॉस्पिटल में मौजूद एक डॉक्टर माइकल शैनन ने लगातार दो दिन तक मुसलसल इसका ख्याल रखा और 30 साल बाद यही क्रिस एक पैरामेडिक बन चुका था और मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद करता था। इसको इत्तला मिली कि एक गाड़ी में आग लगी है और एक शख्स इसमें फंसा हुआ है। क्रिस नामी इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलते हुए इस आदमी की जान बचाई और इसको एम्बुलेंस में ले गया। तब ये पता चला कि ये आदमी डॉक्टर माइकल शैनन है जिसने 30 साल पहले क्रिस की जान बचाई थी। लिजवर्ड वार्ड नामी लड़की एक रेस्टोरेंट में वेटरेस के तौर पर काम करती थी। एक रोज दो फायर फाइटर्स नाश्ते की गर्ज से रेस्टोरेंट में आए और बिल का तकाजा करने पर लिज ने बिल के बजाय एक नोट इनके हवाले कर दिया जिस पे लिखा था कि आप लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं, ये नाश्ता मेरी तरफ से है। ये लड़की खुद मेहनत करके अपने और अपने माजूर बाप को संभाल रही थी, लेकिन इसके बावजूद बिल भर के इसने इन फायर फाइटर्स का शुक्रिया अदा किया। इस वाकये के बाद इन दोनों फायर फाइटर्स ने ये कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लोगों ने इस लड़की को बहुत सराहा और इसके लिए $86,000 जमा किए, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, और इसकी वालिद के लिए वैन भी खरीदी गई। इस लड़की की एक छोटी सी जी, ये तो वो कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली वायरल हुई और हमने आपसे शेयर की। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतने हमदर्द लोग हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर, इस वक्त आज के शो में हमने एक बहुत ही प्यारा मुनफरिद टॉपिक चुना है। अक्सर जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया कि जो ड्रामे या फिल्में आप देखते हैं उसमें हीरो भी होता है तो साथ विलन भी होता है, और विलन भी उतना ही हिट होता है। बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, लेकिन वो एक्टर जो विलन के रोल में मशहूर हो जाता है उसको रियल ज़िंदगी में क्या सर्कमस्टांसिस बेयर करने पड़ते हैं? क्या उसे वही फेवरेटिज़म मिलता है जो हीरो को मिलता है? क्या राह चलते लोग उसको कुछ ऐसा कह देते हैं? क्या उसकी भी लड़कियां फ़ैन होती हैं? क्या उसको रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम होती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि हम जो हैं वो इतना खो जाते हैं ड्रामे और फिल्मों में कि हम कभी कभार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं उनको बिल्कुल रियल वैसा ही समझने लगते हैं। तो आइए आज अपनी फिल्म के मशहूर लेजेंड्स को, लेजेंडरी एक्टर्स जो अरसे से आपको एज विलन मशहूर हैं, वो एज एक्टर्स तो हैं ही, लेकिन एज विलन जो है वो आपके दिल पे राज कर रहे हैं, इस राज करने में उनको क्या क्या सर्कमस्टांसेस बेयर करने पड़े कि आज उनको बुला के पूछना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे दिमाग में इस तरह आया कि मेरे ससुर मरहूम फरीद नवाज़ बलोच साहब, वो भी विलन के कैरेक्टर किया करते थे, तो जब मेरा रिश्ता यासिर से तय हुआ तो मेरी दोस्तें मुझ पर तर्स खा रही थी, हाय निदा तुम उनकी बहू बन रही हो, क्या होगा तुम्हारा? और इन रियल लाइफ उनसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का नहीं था। मतलब लाइक अगर यासर दानिश इन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो वो शायद उनके अब्बा की तरफ से उनसे विरसे में मिला है, मगर जो जनरल इम्पैक्ट था कि हाय तुम शादी हो के एक विलन के घर जा रही हो, तो वो वाली चीज़ मेरे दिमाग में रह गई। और मैंने सोचा कि आज वो तो है नहीं यहाँ, लेकिन उनके दोस्त भी और ऐसे विलन्स जो मशहूर हैं अपने कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, आज उनको यहाँ दावत देते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी भाई, आज बहुत ही मुनफरिद और बहुत प्यारा सा खूबसूरत शो हम आपके लिए लेकर आए। आपको याद है नवाया सोड़िया ये जुमला? ये तो मैं अदा ही नहीं कर सकती भाई, मैं तो इतना सा भी अदा करने की का वो टैलेंट नहीं रखती जिस ये जुमला बोलने वाला टैलेंटेड इंसान जिसने आधी सदी तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उर्दू फिल्मों से अपने करियर का आगाज करते हुए पंजाबी फिल्मों तक का सफ़र, और जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ भाई सबको अपना दीवाना बना दिया। पोस्टर पे इनकी तस्वीर कामयाबी की अलामत समझी जाती थी। इनकी और सुल्तान राही की जोड़ी एज हीरो एंड विलन, ये इस जोड़ी से कौन वाकिफ नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग इनका अगर इन दोनों का पोस्टर पे एक साथ होना
पहले से ही कह दिया जाता था कि ये फिल्म तो भाई सुपर डुपर हिट होगी। मौला जट, शेर खान, चीफ साहब, गुलामी, शरीका जैसी बहुत सारी ऐसी फिल्में शामिल हैं, और आज मैं इनसे इनकी जिंदगी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि एज विलन ज़्यादा मशहूर होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इन्हें जिंदगी में, क्या इन्हें रिश्ता मिल गया था या नहीं। आइए बुलाते हैं हमारे लेजेंडरी एक्टर मुस्तफा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जान के किया, जान के किया एक्टिंग, क्योंकि ये लगा हुआ है। ओहो हो। और मैं ये जान के इसलिए लगा के आया हूँ, हाँ, कि हम अपील तो करते रहते हैं अपने व्यूअर्स को लेकिन खुद अमल नहीं करते, लेकिन अब मैं उतारूंगा। अब उतार दे, क्योंकि हमने तो दूर दूर बैठना है, हमारे बीच फासला उतना ही होगा जो दरकार है। बिल्कुल, ये SOP पर अमल तो होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। प्लीज बैठे, इधर बैठना चाहेंगे। आपको भी एंगल्स का मतलब आप लोगों के जमाने के एक्टर्स को पता होता था कि मेरा ये एंगल अच्छा है कैमरे का या ये एंगल अच्छा है? ये इनको पता है जो आपके कैमरे में इनको पता है, क्योंकि आज के एक्टर्स को तो पता है निदा मैं उधर बैठूंगी क्योंकि मेरा ये साइड बड़ा अच्छा आता है। बाज फेसेस ऐसे होते हैं कि जिस साइड से भी लें, हाँ, वो बेहतर ही होता है, है ना? बाज फेसेस ऐसे होते हैं। तो आप, आपको लगता है कि आपका फेस ऐसा है कहीं से भी? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। प्लीज बैठे। थैंक यू। एक 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 मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनको बार बार अपने बाल सेट करने, बार बार अपना मेकअप सेट करने के लिए जाके देखना होता है कैमरे में, जरा मॉनिटर दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ मैं। आपको भी प्रॉब्लम थी फिल्मों में कि भाई मैं भी जरा देखूँ जरा मैं कैसा लग रहा हूँ, अपनी लुक्स के ऊपर था कुछ ऐसा सिनेरियो? नहीं निदा, मैं 750 के करीब फिल्में की हैं, हाँ, और मैंने कभी भी मुड़ के देखा नहीं। नहीं, अपने ऊपर ही होते, शीशे में जाके देखते हैं कैसे आ रहा हूँ। अच्छा, मैं कैसा आ रहा हूँ? नहीं नहीं, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। अच्छा, आप भी और सुल्तान राही साहब भी ऐसे ही थे? वो भी रफ टफ थे आपकी तरह? कौन? सुल्तान राही साहब, वो भी ऐसे ही करते थे? वो मुझसे ज्यादा ही रफ टफ थे। अच्छा, वो तो ऐसे थे क्योंकि फिल्में बहुत थी ना, रोज चार चार पांच पांच फिल्मों की तो शूटिंग करते थे। बाप, कितने घंटे काम करते थे? और 24 घंटों में से 18 घंटे हम काम करते थे। ओहो, बल्कि टाइम नहीं होता था और प्रोड्यूसर्स पीछे होते थे कि हमें डेट दो, डेट दो, डेट नहीं होती थी। एक एक साल पहले की डेटे हम देते थे, लेकिन फिर सुबह 7 बजे की शिफ्ट भी हमने, एक उसको टेडी शिफ्ट कहते थे। अच्छा, तो 7 से 10 बजे तक। अच्छा, आप आपने माशाल्लाह आपने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए, लेकिन ये जो मौला जट था इसने आपको एक वो जरा बोल के दिखा ना सब, वो तो मैं बोल लूंगा। मैं भी जरा आपकी चीटिंग करना चाह रही हूँ कि कैसे आप बोले। लेकिन अब हम नए तो रहे नहीं, आप भी नहीं नहीं है और मेरे व्यूअर्स भी नए नहीं रहे, हाँ, क्योंकि इतनी जिंदगी हमारी हो गई है। उस और इतना, आपको विलन बना और दिया ना उस इतना कुछ विलन, विलन के कैरेक्टर में आपको के मुस्तफा कुरैशी साहब को विलन, हाँ, विलन की छाप इसलिए लग गई कि पहली फिल्म, हाँ, मैंने तो पहले उर्दू फिल्में की ना। जी 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 जी, कोई 2-2.5 साल तक तो मैं उर्दू ही फिल्में कर रहा था, पंजाबी जाहिर है मेरी मादरी जबान नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क की जबान है। बिल्कुल। और तमाम जबानें मेरे लिए अजीज हैं, हाँ, और हमें फख्र है कि हम अपनी जबानें, पंजाबी हो, सरेकी हो, पश्तो हो, बलोची, हाँ, हो, बरौकी हो, सिंधी हो, ये सब हमारी अपनी। अच्छा, जबान। हैदराबाद में रहते थे तो आपको मुश्किल नहीं हुई पंजाबी सीखने में? इसके लिए मैं एक बात बताऊँ आपको, वैसे जो आर्टिस्ट होता है ना, मैं तो खैर छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आर्टिस्ट को ये कतई कोई तकलीफ नहीं होती। फिर ये कि मेरी चूंकि मादरी जबान सिंधी है, जी जी, तो दुनिया की जितनी भी जबानें हैं ना, उनके अल्फाबेटिक लेटर्स जो होते हैं, अलिफ बे पे ते जी से जी, किसी के 26 है, इंग्लिश के 26 है, हाँ, किसी के 28 है, किसी के 30 है, हाँ, सिंधी वाहिद जबान है जिसके 52 है। ओए होए, 52, हाँ, हमने रट्टे मारे हुए हैं। तो जब मेरे 73 आए थे सिंधी में, तो जब 52 अल्फाबेटिक लेटर्स अल्फाबेटे से को, हाँ, हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी जबान हमारे लिए आसान। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली पंजाबी और सिंधी के, सिंधी ज्यादा मुश्किल है। मैं तो माशाल्लाह 19 साल सीख ही रही हूं। इसके अलावा देखिए, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, मुल्तानी, इनको
दीज आर ऑल सिस्टर लैंग्वेजेस कहा जाता है। ये तो है, करीब करीब है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने आपको, अभी आप शायद सुन भी रहे होंगे कि मेरे ससुर भी विलन विलेनिश कैरेक्टर्स करते थे, तो मेरे साथ भी फिल्म की थी, है ना, तो मेरी दोस्तें कहती थी हाय तुम उनकी बहू बन रही हो, तो आपको ये वाले सर्कमस्टेंसेस तो बेयर नहीं करने पड़े, यानी आपकी बेगम का रिश्ता नहीं मिल रहा आपको, या मतलब कि विलनिश कैरेक्टर करने की वजह से लोग आते जाते कि आप बड़े जालिम आदमी हैं, कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिली जिंदगी में? शादी के लिए तो नहीं, क्योंकि शादी तो जो मेरी हुई थी तो रेडियो में मेरी रुबीना जी वो रेडियो में होती थी, वो भी आर्टिस्ट थी, तो हम दोनों वो म्यूजिक में थी, मैं ड्रामों में था, मोहब्बत की शादी है और अंडरस्टैंडिंग हो गई। और फिर वो ड्रामे भी करती थी। अच्छा, ड्रामे भी की, ड्रामों में एक्टिंग भी की, खाली रेडियो में ड्रामे करती थी? रेडियो में। अच्छा, टीवी पे भी शायद एक दो ड्रामे किए। आपकी बड़ी यंग एज में आप लोगों की शादी हो गई थी? नहीं, यंग नहीं हुई थी, जब आप फिल्म उसमें फिल्मों में आए थे। नहीं, फिल्मों में बाद में आया। अच्छा, फिल्म से तो वो विलनिश वाली जो चीज फैली वो शादी के बाद? नहीं, अंडरस्टैंडिंग्स जो हुई थी रेडियो में जब तक हम थे जी तो अंडरस्टैंडिंग्स थी। हाँ, लेकिन फिल्मों में मैं आ गया था, मुझे ले जाया गया था। अच्छा, तो वो पहली फिल्म जब मैंने की तो फिर मेरी शादी में तो लाहौर से मोहम्मद अली, ज़ेबा, तालिश साहब, साकी साहब, ये सारे आए थे। अच्छा अच्छा, हैदराबाद में। तो सुने, मैंने अक्सर देखा है ना, जो बीवियां हैं वो थोड़ा सा कहती हैं भाई उस हीरोइन के साथ नहीं चिपकना, इस हीरोइन के साथ नहीं चिपकना, नहीं, 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 तो विलन होके तो गोदों में उठाना पड़ता है हीरोइनों को, कतई नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पढ़ी लिखी खातून है और खुद भी आर्टिस्ट थी, और उसने तो इतना गाया कि अभी तो उसको ये जो अभी 14 अगस्त गुजरी है उसको तबगे इम्तियाज अनाउंस हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसने तो चाइना गई थी तो चाइनीज जबान में जाके गाने गाए, वही चाइनीज टैलेंटेड फैमिली। टर्की गई तो टर्की जबान में जाके गाना गाया। अच्छा, इंडोनेशिया गई, ये भुट्टो साहब ने भेजा था जी। और सरकारी तौर पर, और मुल्कों को, पाकिस्तान और इन मुल्कों के दोस्ती को। कोई शक वक करने वाली बेगम नहीं थी आपकी? नहीं नहीं, सवाल ही कभी बताया कि भाई फिल्म है, शूटिंग है, ऐसी कोई बात नहीं, कभी एकदम सेट पे बाहर जाना। और हमारा स्कैंडल भी तो नहीं ना, आपने सुना है हमारा? नहीं, मैंने वैसे मैं बड़े ढूंढे, मैंने कहा इसका पूछूं उसका, मतलब लाइक मैंने रिसर्च पूरी कर डाली, फिर यासिर से भी थोड़ा पूछा, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कुछ बताया था, लेकिन मुझे कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। नहीं नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, मैं अगर कुछ किया भी होगा तो बड़े तरीके से। भाई तो कह रही हूँ, या तो आप बहुत ज़हीन थे, कभी पकड़े नहीं गए, और मतलब छछोरपन नहीं, छिछोरपन। अच्छा, इंसान ही तो है। हाँ, ये और तो है। ये तो जवानी भी, यंग भी सब। हाँ, अच्छा, आजकल तो बड़ा जिम, जो आजकल के विलन्स और हीरोज हैं वो जिम करना, नहीं भाई हम सलाद पत्ता खाएंगे, खाना नहीं खाना, डाइट, इस सब के कॉन्शियस होते? नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं होते थे? नहीं नहीं, हम आर्ट अंदर से होता है, स्पार्क होता है अंदर, स्पिरिचुअल काम है। आप फिर कभी बहुत मोटे नहीं हुए? बड़ा आप, मतलब आपका पहले मैं बॉडी बिल्डिंग तो करता था अपने। अच्छा। स्कूल और कॉलेज के जमाने में। आज भी कट्स तो बनी हुई है। हाँ, साल हो गए काम करते हुए नहीं की, जिम विम नहीं जाते थे उस वक्त जब फिल्में कर रहे थे? नहीं, जब फिल्में कर रहा था तब नहीं, स्कूल और कॉलेज के जमाने में। अच्छा अच्छा, तो मतलब था आपको वो वाला जिम वगैरह का फिटनेस फ्रीक? मेरी पहली फिल्म देखे लाखों में एक, वो तो सुपरहिट, तो वो पहली फिल्म मेरी सुपरहिट थी, शमी मारा, एजाज दुरानी वगैरह, और उसमें आपकी बॉडी शॉट ही बनी हुई थी। उसमें मैं ऐसा वो हूँ के, और भाई आप लोगों को देख के इम्पैक्ट भी आता था ना, कि ये अगर उठा के किसी को फेंक रहे तो इतनी पावर नजर भी आ रही है, मतलब आज तो सूखे सूखे हीरो होते हैं वो, कि यकीन ही नहीं आता कि इतना रक्षा उड़ा दिया इन्होंने, बसें उड़ा दी। नहीं, देखे एक्टिंग जो है आर्ट है, और ये अब मिसाल के तौर पर भारत में सलमान खान कमीज उतार लेता है अपने। हाँ। मसल्स दिखाता है। आप लोग के जमाने में नहीं होती तो थी नहीं, कमीज उतार। ये काम आर्ट जो है, एक्टिंग जो है, ये पहलवानी थोड़ी है यार। हाँ। तो आर्ट है, आप कोई किरदार करते हैं। हाँ। उसमें अपने आप को आप ढाल देते हैं। हाँ। इन्वॉल्व। अच्छा, करते हैं। मुश्किल क्या होती थी आपको, रोमांटिक सीन करने में मुश्किल होती थी? मैंने कभी इस तरह नहीं किया। अच्छा, नहीं, आपने मना कर दिए थे? नहीं नहीं, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड विलन थे आप, सोफिस्टिकेटेड विलन, एक धीमा बोलने वाला। हाँ। और इस तरह का अंदाज, और फिर हमारे जो डायरेक्टर्स भी थे ना उस वक्त के। हाँ।
वो हमसे काम भी ऐसे लेती थी। अच्छा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं जी, एक फिल्म थी अनीला, अच्छा, दीबा, नदीम, मैं, अच्छा। रजा मीर साहब डायरेक्टर थे। अच्छा। तो अब मैं विलेन था उसमें। हाँ। तो दीबा के साथ रेप सीन था मेरा। अच्छा। तो वो जो रेप सीन में होता है जी जी, वो नहीं किया, वो शूट नहीं किया, मतलब नहीं, वो मतलब सिंबॉलिक दिखा दिया। मैं उसके पढ़ता था। हाँ। तो वो भागती थी, ये वो या पलक पर गिरती थी। अच्छा। मैं जंप करता था, वो निकल जाती, यानी इस तरह। लेकिन दीवार पे एक घोड़ा और घोड़ी की तस्वीर लगाई हुई थी। सिंबॉलिक दिखा दिया ना, सिंबॉलिक दिखा। तो आप मना करते थे या डायरेक्टर ही नहीं ऐसा करते थे? आप कहते थे कि यार मैं नहीं शूट कर सकता ये, मतलब नहीं, मैं भी, ये भी मैं आपको बताऊं, एक, हाँ। एक मेरी जो दूसरी फिल्म थी लाखों में एक के बाद, पिया मिलन की आस, हुस्ना, मैं, मोहम्मद अली, उसमें जेबा नहीं थी मेरा ख्याल, तो उसमें भी कोई ऐसा सीन, तो उसमें सीन था, मैं विलेन था। हाँ। तूफानी रात है, बारिश है बाहर। हाँ। और मैं हुस्ना के बेडरूम में जाता हूँ। हाँ। और वो लेटी हुई है। अच्छा। तो डायरेक्टर एस सुलेमान साहब, जी जी, माशाल्लाह, रहमत करे, वो डायरेक्टर थे। तो ट्रीटमेंट दिया ना। हाँ। तो एक स्विच ऑफ किया। हाँ। उसने देखा, हुस्ना ने। हाँ। दूसरा स्विच ऑफ किया, वो उठ के बैठी जी। तीसरा स्विच ऑफ किया, वो खड़ी हो गई। हाँ। चौथा स्विच ऑफ किया, अंधेरा हो गया। अब सोर्स ऑफ लाइट जो था जी जी, वो बिजली बाहर चमक रही थी, तो उसका सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है ना। ओके, जी? हाँ। अब मैं उसके बड़ा आगे, वो पीछे हटती गई बड़ा। अब जब शेड से खेला उन्होंने ना। हाँ। सायों से खेला नहीं, अब जब आखिर में उसको मैंने पकड़ा, आपने जकड़ा, पकड़ना था। हाँ। वो नहीं किया मैंने। अच्छा। मैंने इनकार किया, मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टच हर। हाँ। तो सुलेमान ने कहा, डायरेक्टर जो थे उन्होंने कहा कि यार ये तो करना है, सीन है। हाँ। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो आपकी बीवी ने मना की थी, खुद ही आपको नहीं अच्छा लगा? नहीं नहीं, सुने ना क्या किया हुआ। तो वो मजबूर हो गया, और हुस्ना भी बल्कि हंस रही थी कि ये कहाँ सिंध से वडेरा आया है, मिठाई मिल रही है, खा नहीं रहा। तो बहरहाल मैंने नहीं किया। तो उसने क्या किया, अब उसने सीक्वेंस तो पूरा करना था। उस देखो ये होता है डायरेक्शनल टच। हाँ। उसने अब उस वो डिस्टेंस था हमारा जी जी जी, उसना का और मेरा जी। मैं आगे बढ़ा, वो दीवार पे हमारे दोनों के शेडोज पे चला गया। तो जब शेडोज में जरूरी नहीं है कि करीब हो, हाँ करीब हो, वो ओवरलैप, आप लोगों ने एक्टिंग की, वो नहीं, वो शेडो उसके शेडो पे गया, ओवरलैप कर। ओके। यानी ओरिजिनल जो था हम डिस्टेंस ही था हमारा। ओके। यू नो, जबरदस्त। और भाई, जैसे ही वो हुआ तो करके बिजली चमकी, और किसी दूसरे सीन में सेट पे मोहम्मद अली हुस्ना की तस्वीर बना रहा था। अच्छा। तो वो तस्वीर गिर पड़ी उसकी खिड़की उस हवा से, तो वो उन्होंने सिंबॉलिकली जो है ये सारी चीजें, जिससे होता है ना कि आप इकट्ठे फिल्म देख नहीं सकते फैमिली के साथ मिलकर, उस जमाने की फिल्म है। हाँ, तो देख अभी, पाते अभी इसका जो पंच लाइन है ना, अच्छा, कि मोहम्मद अली जैसे ही तस्वीर गिरी, मोहम्मद अली साहब उनकी तस्वीर तो बना रहे थे, रंग जो था काला वो गिर पड़ा तस्वीर पे, माथे पर। अच्छा। सिर्फ अली का ये डायलॉग था उसमें कि वो धब्बा लग गया। ओहो। तो वो भाई ये दबा लग गया। हाँ, माने। हाँ। अच्छा, बचपन कैसा गुजरा आपका, कैसे थे बचपन में आप, क्या बताते हैं सब लोग आपको? मासूम, बहुत मासूम बच्चा। अब बचपन जब पैदा हुआ था ना। हाँ। तो मैं बहुत बोलता था। अच्छा, बताया रहा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। हाँ। तो वो आपके बारे में क्या कहते थे आपके वालिदैन, कि ये बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा है या शरारती है? होता सिंधी है? में मेरे वालिद गाते थे। अच्छा। मुझे अपनी गोद में उठा के। हाँ। वो क्या सिंधी में कहते थे, गुलाम मुस्तफा मीर खाई खंडू खीर। ओहो, ओहो। यानी खीर खाए। खाई यानी दुआ गोया। दुआ देते थे। दुआ देते। तो इस तरह आप लोग कितने बहन भाई टोटल? माशाल्लाह 5 भाई और 5 बहनें। 5 भाई 5 बहनें। और इंडस्ट्री में कोई और है आपके अलावा? आपके अभी तो मेरा बेटा है। हाँ, वो तो पता है उनका, उनका तो पता है, आमिर कुरैशी। आमिर कुरैशी। लेकिन जो है बहन भाइयों में कोई और नहीं, था नहीं, कोई भी नहीं? तो आपके जाने के बाद भी नहीं कोई आना चाहा
कि चलो हम भी आ जाते हैं या कुछ, या आपने आने आपने मना कर दिया कि नहीं भाई एक ही काफी है? नहीं नहीं कोई इस तरफ है ही नहीं, नहीं, नहीं। मैं भी नहीं था। हाँ। मुझे तो ले जाया गया। नहीं तो आपके घर वालों ने रोका नहीं उस जमाने में तो बड़ा होता तो फिल्मों में? हम हमारा घराना जो है बिलाशुबा मजहबी है, दीनी है, लेकिन इतना भी नहीं। तो आपको किसी ने रोका टोका नहीं? नो नॉट एट ऑल। हां जैसे रुबीना से मेरी शादी हुई तो वो गाती थी। हां रेडियो पे गाती, शी वाज दी स्टूडेंट थी तो वो। तो उनसे भी शादी में कोई प्रॉब्लम घर वालों ने नहीं, कोई एहतजाज नहीं किया? अलबत्ता हमने घर में कोई विलन नहीं मिला? नहीं नहीं समाज की दीवार, वो माशाल्लाह ओपन माइंडेड खुले दिल के हैं। और क्या है कि एतमाद होता है। और हमने भी साबित किया। कितने सालों के उस वक्त तक शादी नहीं की जब तक के उनके भी और मेरे भी वालिदैन राजी नहीं। अच्छा कितने सालों के माशाल्लाह से आपकी शादी को देखते हैं, इनको याद है कि नहीं? अभी परसों तो 51st ओह 51वीं वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी है। वाओ जबरदस्त। इसके लिए बल्कि मैंने मीडिया में कहा था कि मुझे कई मुबारकबादें के पैगाम आता रहे थे ना, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने मीडिया में कहा था कि पूरे मुल्क से आ रहे थे कि उनका शुक्रिया अदा किया उनके मोहब्बत प्यार और खुलूस का, बल्कि इस वक्त भी मैं कर रहा हूँ उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन मैंने हमने मनाई नहीं। अच्छा। और इसलिए नहीं मनाई कि आज मेरे अपने और मेरे दोस्त अहबाब जो मोहलिक बीमारियों में मुबतला हैं और कई जो हैं वो आज इस दुनिया में ही नहीं है, तो हमें जेब नहीं देखता कि ऐसे में हम वेडिंग एनिवर्सरी मनाएं। अच्छा मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आपकी मुलाकात हुई जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की आधी सदी पे एज विलन राज किया, एज एन एक्टर राज किया। और अब मैं जिस एक्टर को यहाँ दावत दे रही हूँ, आजकल की कोई फिल्म उनके बगैर नहीं बनाई जाती। आप देखिए कि उनके पास आजकल की फिल्मों की जो लिस्ट है उसमें सारी फिल्मों में इनका नाम सर फहरिस्त होगा। अगर मैं आपको ये बताना शुरू करूं कि इन्होंने अपने करियर का आगाज अर्ली 90s के बेहतरीन ड्रामों में किया, जिसमें शामिल है धुआं। धुआं में इनका किरदार सुलेमान का था जो कि मंशियात का काम करता था, और एज विलन ही उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। इसी तरह जंजाल, पूरा के छीमा सबको याद होंगे। 1995 से फिल्म शर्तियां मिठे से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। इसके अलावा आपने इनको मशहूर ड्रामा सीरियल चांद गिरन, लाग, मूसा खान, मुझे जीने दो, भाई लोग, ना मालूम अफराद, मोर, रॉन्ग नंबर टू, जानान, एक्टर इन लॉ, मेहरुनिसा वी लव यू और बाजी जैसी फिल्मों में, आज की फिल्मों में आपने इनको देखा। और डॉन आइकॉन ने इन्हें एक खिताब दिया है क्योंकि इनकी इतनी वर्सटाइल एक्टिंग है, ये इतनी चेंज लुक के साथ हर चीज़ में नुमाया होते हैं कि इनको लकब दिया गया द मैन विद 1000 फेसेस। आइए वेलकम करते हैं हमारे टैलेंटेड विलन, टैलेंटेड एक्टर नय्यर एजाज। प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुआएं। आपकी तो फैमिली में वो कहते हैं कि इतना सारा टैलेंट एक साथ भरपूर माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद सलामत अली खान साहब माशाल्लाह, आपके भाई रियाज साहब, रियाज साहब आपके भाई सलामत साहब की जो है उस्ताद सलामत अली खान की मिसेज अजरा रियाज, बिल्कुल पूरा खानदान टैलेंट से भरा हुआ। हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरे बाद जो नस्ल है वो खूबसूरत भी है और बड़ी अच्छी भी है, वो उनमें टैलेंट नहीं है। ये नहीं, ये वाली बात क्यों कही आपने? जो हमारी नस्ल जो है आप लोग भी खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो ज्यादा मतलब अच्छा वो ज्यादा हैंडसम और ज्यादा आजकल के जमाने के, तो जितनी भी कोशिश की किसी को शौक ही नहीं है काम करने। माशाल्लाह आप लोग 11 बहन भाई। हम लोग 11 बहन भाई और उसमें से इंडस्ट्री में तीन तो मुझे पता है, बस तीन ही थे। तीन ये और
वालद वालिद साहब का ताल्लुक भी रेडियो से था, रेडियो से था, तो उन्हीं की तरफ से ये टैलेंट आपके पास विरसे में आया। मैं थोड़ा सा ना इस तरह भी कैफियत में था कि जी मुझे कभी फौजी बनना था, कभी अच्छा। क्रिकेट खेला, बचपन से ये इस तरह के ख्वाब थे। एक्टर वेक्टर का मुझे कभी भी नहीं था। अच्छा, तो फिर मैंने क्रिकेट खेली, अंडर 19 मैंने सुना, अंडर 19 ग्रेट क्रिकेट भी मैंने खेली। अच्छा। और वो फिर बदकिस्मती से वालिद साहब क्वेटा में बीमार हो गए जी जी, तो फिर लाहौर छोड़ के क्वेटा जाना पड़ गया। अच्छा। और फिर वो जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं तो फिर आपको फैमिली माँ बाप ये कहते हैं कि जी बेटे हैं तो फिर घर का बोझ उठाना होता है। वो कुछ नौकरी वोकरी की आपने? फिर वहाँ जाके मैंने एक वफाकी इदारे में जॉब शुरू की। अच्छा। और फिर मुझे तारिक महराज साहब है जी जी जी, उन्होंने एक जगह देखा, उन्होंने कहा यार ये तुम रेडियो पे काम करते हो? मैं कहा जी नहीं, मैं तो रेडियो पे नहीं करता। आवाज आपकी, आपकी आवाज से अट्रैक्ट हुए? आवाज से अट्रैक्ट हुए। फिर उन्होंने मुझे पहला ड्रामा कास्ट किया नजमा महबूब साहबा के साथ। अच्छा। उसमें मैं एक सरदार था जो उठा के ले जाता है। आपकी माशाल्लाह से आपकी जो आवाज है कि अब्बू के ऊपर गई है कि अब्बू जो है अम्मी की थी, बिल्कुल माँ की आवाज में। माशाल्लाह, इस आवाज की वजह से आपको समझे एक मौका मिला स्क्रीन पे आने का। स्क्रीन पे आने का। हाँ। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मतलब एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं ज्यादा आवाज का सहारा नहीं ले रहा होता, कैरेक्टराइजेशन का सहारा ज्यादा लेता हूँ। तो क्या आपको कैसे पता चला कि ये मेरे अंदर टैलेंट है एक्टिंग का? मतलब आप तो उस वक्त अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे, फिर उसके बाद जॉब कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि लाशौरी तौर पे मेरे अंदर टैलेंट था, लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। हाँ। जब क्वेटा में 2-3 प्लेस किए और उसके बाद बैठ के बड़ी गहराई से फिर देखना। हाँ। जो क्वेटा में सीनियर आर्टिस्ट आते थे उनका काम जाके सेट पे देखना कि ये किस तरह कर रहे होते हैं। नहीं, बचपन में कभी कोई एक्टिंग करते थे? अम्मा अब्बा से पेट में दर्द है मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं, ऐसी कोई ड्रामे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं, नहीं, सादा सिंपल सा। सिंपल, लेकिन एक शौक था कि मैंने एक्टिंग करनी है? ये शौक नहीं था, मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं वो जॉब करता था। डेवलप कैसे हुआ? डेवलप ऐसे हुआ कि जब तारिक महराज साहब ने मुझे कास्ट किया और एक ड्रामा मैंने कर लिया, तो उसके बाद जब अपने आप से बातें की, पता चला कि यार मैं तो वाकई मतलब है ये इस तरफ जा सकता हूँ, मेरा शौक है, तो वो फिर मैं इस तरफ चल पड़ा। अच्छा, वैसे अक्सर जो होता है ना, जब इस तरह शौक होता है तो इंसान का दिल चाहता है यार मैं हीरो आऊँ या मैं इस तरह करूँ, मैं बॉडी बनाऊँ, जरा मैं अपनी लुक्स पे काम करता हूँ। तो आपकी ये ख्वाहिश दिल में नहीं है? मैं मतलब हीरो साइड पे मेरा को कभी भी शौक नहीं। अच्छा, कभी नहीं। स्टार्ट में ऐसे था, एक वक्त ऐसा था कि क्वेटा टेलीविजन पे मुझे विलन का किरदार नहीं देते थे। अच्छा। वो मुझे पॉजिटिव रोल देते थे। अच्छा। नीलोफर अब्बासी साहबा के साथ मैं एक प्ले में बड़े बालचाल सब्जेक्ट्स पे मुनासिब भी होता। हाँ, है कहानी। हाँ, पे भी हीरो भी बन सकते हैं अगर कहानी ऐसी, पॉजिटिव कैरेक्टर, जैसे ब्यूटी एंड बीस्ट। बिल्कुल सही। तो वो इस तरह ना, वो मुझे पॉजिटिव रोल देते थे, वो नेगेटिव रोल ही नहीं देते। वो फिर एक ड्रामे में मैंने मदार एक था, वो सज्जाद अहमद हमारे साथ ही थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये रोल मुझे दे, मैं नेगेटिव रोल करूँ। यार रहने दो, तुम ये वाला कर लो। मैं कह नहीं, आप मुझे ये दे दें। तो फिर उसके लिए मैंने छोटे छोटे से बाल किए और एक गेटअप बना के, तो वो मदार क्लिक हुआ, उसके बाद फिर नेगेटिव। अच्छा, जब एक्टिंग में आते हैं जो अभी भी इस सोफे पे बैठ के नए फनकार हैं, उनका इंटरव्यू लेती हूँ, तो वो बताते हैं कि हमें स्ट्रगल में ये सुनना पड़ा कि तुम्हारी एक्टिंग कमज़ोर है। अगर उनकी लुक्स भी बहुत अच्छी होती हैं तो उनको कहा जाता है तुम्हारी एक्टिंग कमज़ोर है, या तुम फलाना हो या तुम धमाका हो। आपको किस तरह की रैगिंग फेस करनी पड़ी? आपको क्या क्या चीज़ें सुननी पड़ी एक्टिंग रिगार्डिंग योर लुक्स? किस तरह की चीज़ें आपको उस एज में सुननी पड़ी? मुझे स्ट्रगल के दौरान उस तरह से ऐसा मैंने स्ट्रगल की नहीं है। हाँ, मौका मिलता रहा। मतलब मैं एक शॉप थी उधर, मैं खड़ा था, बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी क्वेटा में एक्टर नहीं तो आ जाओ ड्रामा कर लो। अच्छा। तो मैं कोई इस तरह नहीं हुआ कि मैं भाग दौड़ कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, कोई 10 आदमियों ने मुझे जलील किया, और नहीं, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं, ये वाली स्ट्रगल नहीं। उन्होंने कहा जी आवाज भी यार बड़ी अच्छी, हमारे पास एक्टर ही कोई नहीं, आ जाओ यार ये रोल तो कर दो। तो मैं जब पहली दफा गया, मैंने कहा जी मुझे तो काम आता नहीं, करना क्या होगा। तो वो तारिक महराज साहब ने कहा अच्छा मैं आप चल के बताऊंगा। हाँ। लुक बताऊंगा। तो वो जेन शार्प था,
तो वो तीसरे शॉट में मुझे समझ आ गई कि जी मेरी लुक ये है, वो कैरेक्टर ये है, कैमरा एक है, तो इधर ये राइट पे होगा, आर्टिस्ट लेफ्ट पे होगा, बस ये समझ गया। आपको लोगों ने जैसे आमतौर पे बाजार निकलते हैं पहचानना, क्या धुआं के बाद लोगों ने ऐसा पहचानना शुरू किया था कि ये कैरेक्टर के साथ आपका नाम धुआं, क्योंकि सुपर डुपर उससे पहले सुपर डुपर हिट दश हुआ था। और उसमें पहली दफा मैंने उसको कंसीव किया था इस तरह से कि एक बच्चा है और वो सबसे बड़े सरदार का बेटा है। अच्छा। उसने अपने बाप को अपनी माँ को मारते देख लिया। ओहो। तो वो स्टीम करता, डरता है। हाँ। वो विलेंस कैरेक्टर था आपका? नहीं, वो पॉजिटिव था, वो बिल्कुल एक कैरेक्टर था, मतलब नॉट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बस कैरेक्टर, बस कैरेक्टर। वो ये था कि वो सबसे बड़े खिलाते थे उसमें शायद। हाँ। स्टैमर करते थे। हाँ। स्टैमर करता था। हाँ। तो वो पहली दफा में ले गया, लेकिन उसको मैंने डबल किया था। जब यंग था तो तेज स्टैमर करता था, जब एमपीए बन जाता है तो स्लो स्टैमर। फिर डश के बाद हुआ, तो 15-16 साल बाद शाहरुख साहब ने वो किरण किया था। अच्छा, ओ मैंने कहा, मैं नोट करी हूँ पाकिस्तान में शाहरुख साहब कौन है, फिर याद आया कि किरण शाहरुख खान की बात, मैंने 15 साल पहले की। हाँ, स्टैमर। अच्छा अच्छा, फिर जब आपने दश का कैरेक्टर करने के बाद या धुआं का, किस कैरेक्टर से आपको, जब आप बाजार जाते थे या कहीं भी होता था तो एकदम लोग घेर लेते थे आपको? ये दश, धुआं, धुआं के बाद जिस तरह का सिलसिला हुआ, आंटियां कहती नहीं थी हाय आप तो बड़े जालिम आदमी हैं? अच्छा, तो कितनी अजीब बात है। हाँ। मैं जब भी विलन का कैरेक्टर करता था, हसीन औरतें मुझे बहुत पसंद करती। ये क्या फिलॉसफी है? ये है, सच है, बिल्कुल झूठ नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्रश होते थे, किसी ने खून का खत लिखा किसी हसीन औरत ने? नहीं नहीं, वो मॉडर्न एज आ गई थी। अच्छा, ना, तो खून का खत नहीं होता था, आंखों में खून उतर आता। अभी भी पसंद है ना, अभी भी पसंद है। और हुसन किसको नहीं पसंद यार? हाँ, नहीं, अब मुझे हसीन औरतों वाली कहानी सुननी है। कृष्ण साहब को देखे, माशाल्लाह आपको लगते 26-27 साल के नौजवान, क्या बात है, माशाल्लाह, जवान और दिल जवान होना चाहिए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती देके रखे। नहीं, आप मेरी बात को घुमाए नहीं, आप हसीन औरतों पे वापस जाए जरा। मुझे ये बताएं कि वो दुआ का कैरेक्टर करने के बाद हसीन औरतें आपकी दीवानी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये सच है, मतलब ये कोई दो नंबर बात नहीं है। और फिर जैसे जब मैंने फोन आते थे, क्या क्या कैसे पता चला? उस वक्त तो पीटीसीएल था ना। हाँ। तो नंबर भी बड़ी मुश्किलों से मिलते थे, पर रोड, हम लोग जब रोड पे या किसी शॉप पे कोई खातून मिल गई तो इजहार कर देती थी, हम लोग भी। अल्लाह, ओए ओए। अच्छा, आपकी उस वक्त शादी हुई हुई थी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, शादी बाद में हुई थी, उस वक्त मैं कुंवारा था। तो ये रिश्ता लेने जब आप अपनी वाइफ का गए, एक तो बताएं पहले वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? नहीं, मैं मेरी अम्मी की कुछ बातें इतनी अच्छी हैं जो कहना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी बहुत बड़ी मॉडल के साथ थोड़ा सा सोच रहा था कि यार इधर हाथ पांव मार लें, ज़रा हुसन परस्त थे आप माशाल्लाह। अच्छा, तो मैंने जब उस मॉडल के घर गए, उसका घर देखा, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये हमारी एडजस्ट नहीं होगी भैया हमारी फैमिली में। हाँ, ये तो बिल्कुल ही पागल हो जाओगे। तो मैं घर में आया तो बड़ा मैं खामोश बैठा हुआ था। हाँ। तो मेरी माँ ने एक बात मुझे की। हाँ। उन्होंने कहा अभी तू गया से रिश्ता लैंड, मतलब कुड़ी देखन गया। हाँ। की होया? हाँ। मैं कहा नहीं माँ, मैं मतलब वो अब्बा है, मैं उसके मुकाबले च नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे एक बात की थी, उसने कहा पुत्र बीवी वो जिदी तेनू पै जाए, मतलब अब मुझे ट्रांसलेट करके बताएं। मैं बताता हूँ, बीवी ओ जिदी तेनू पै जाए, बीवी ओ नहीं जिदी तेनू पै जाए। हाँ। मतलब ये है कि बीवी वो जिसको हर वक्त तेरा ख्याल रहे। ओ। बीवी वो नहीं कि तू हर वक्त काम पे भी सोच रहा हो अब मेरी बीवी किधर गई होगी, मेरी बीवी क्या कर रही होगी। तो वो बात जब समझ में आ गई। हाँ। तो फिर मेरी माँ ने रिश्ता देखा। हाँ। मैंने उनको अपनी बीवी को सामने से नहीं देखा था। अच्छा, तो जिस दिन शादी थी उसी दिन देखा। अच्छा, सुने मैं वही सोच रही थी कि उस वक्त तो आप विलन मशहूर हो चुके थे, तो वो कुछ मसला तो नहीं अम्मा को रिश्ता ढूंढने में, जब उन्होंने बताया मेरा बेटा जी विलन मशहूर है ड्रामों में? और मेरा ससुर जब आए थे वो
नमाजी परहेजगार थे तो उनसे मैंने सिर्फ एक बात की थी कि मैं जी कोई गारंटी वारंटी तो दे नहीं सकता, इंशाल्लाह मेरी बीवी आपसे पैसे मांगने नहीं आएगी। ओहो अच्छा, ये आपने कह दिया था कि मैं कमाऊ पूत लड़का हूँ जी और वो आपसे पैसे मांगने कभी नहीं, तो ये उनको अच्छी लग गई बात। ये बात उनको अच्छी लगी। तो अम्मी को कभी नहीं हुई रिश्ते वगैरह? और आपने कुछ क्राइटेरिया आपने कहा था कि मुझे जरा हसीन लड़की चाहिए, कुछ भी नहीं बोला? कुदरत खुदा की ये हुई कि मिली हसीन, तौल खूबसूरत, कश्मीरी बट फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? ये वाली चीज में हमें पता ही नहीं ना लोगों को, आप कितने, आपको इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं आपकी शादी आपकी लाइफ के बाद को 19 साल हो गए। आई माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो मतलब इसको ज्यादा करें ना तो अच्छा है, अल्लाह ताला ने साहिबे औलाद बनाया लेकिन वापस ले ली औलाद, चले कोई मसला नहीं, बहुत सारी और नेमतों से नवाजा हुआ है, ये तो अल्लाह ताला ने इतना नाम दिया है और अच्छी बीवी है, खूबसूरत बीवी मिल गई आपको। तो अजय ने अब मैंने इनसे भी ये पूछा था सवाल कि अक्सर जो विलनिश कैरेक्टर होते हैं उसमें हीरोइनों को उठा के ले जाना पड़ता है जी, किडनैपिंग भी हो रही है और भी बहुत सारे सीन्स, तो बेगम ने कभी एतराज नहीं कि सुनो भाई दूर दूर से ये नहीं होना चाहिए? कुरैशी भाई फरमा रहे थे ना कि उनके रोल उस तरह के नहीं थे, मेरे भी रोल उस तरह के नहीं है कि मैं लड़कियां उठा रहा हूँ ये करूँ, नहीं नहीं इस तरह को कुछ काम नहीं था, अब मैंने इस तरह के रोल किए नहीं है ना, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हैं जो आपकी बेगम है थोड़ी सी शक्की मिजाज है कि नहीं? नहीं नहीं, माशाल्लाह आप हुसन परस्त आदमी है। मैं कहता हूँ कि जी उसकी तरफ से तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई फोन वोन चेक नहीं करती? ना 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 ना, शादी जब शादी हुई मैंने पहले 5 दिन अपना फोन छोड़ के घर चला जाता नहीं भाई, तो 5वें दिन उसने कहा जी ये ले जाया करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो कोई जो आंटियां जो हसीन आप कह रहे थे वो आपको मतलब दीवानी हो गई थी आपके कैरेक्टर्स करने के बाद विलेनिश, तो उन्होंने कोई अप्रोच करने की कोशिश नहीं की बीवी को, कोई जलाया पड़ाया नहीं? नहीं, कुछ बातें राज में रहने दें, यही तो मैं उगलवाना चाह रही हूँ। अगर राज उगल गया तो बहुत बुरा होगा राज पर्दादारी जरूरी है। देखे ना अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जी अपना गवाह पैदा मत करो। चलिए जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे, कोशिश करूंगी राज की बातें फाश हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुई तो चलो कोई मसला नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद दो विलन्स मेरे साथ हैं, प्लीज साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ भाई देखिए मैं हंसती भी वापस आई हूँ और कोई बात नहीं, मेरे ये दो विलन्स हैं जिन्होंने अपने जो जो अपने आप का लोहा जो मनवाया है एक्टर्स के थ्रू तो मनवाया ही है, लेकिन एज विलन्स वो ज़्यादा कास्ट होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हीरो से ज़्यादा एक्टिंग का जो मार्जिन है वो विलन्स को मिलता है अपनी परफॉर्मेंस में। और नैयर एजाज साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम कर रहे हैं इनकी ज़िंदगी की बातें, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आप दोनों से करना चाहती हूँ। हमारी स्क्रीन पर आपको चॉइसेस भी नज़र आएंगी कि आप किसको चूज़ कर सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि अच्छा आप लोग वैसे आजकल की फिल्में और ड्रामे देखते हैं, मौका मिलता है कहीं? बहुत कम, बहुत कम, लेकिन थोड़ा सा वाकिफ है कि आजकल काम जो कर रहे हैं नए लोग, आमिर तो बताते होंगे आपको? नहीं मुझे इतना नहीं, चले हम गेस करते हैं, आप तो आजकल काम भी कर रहे हैं तो जाहिर है। अच्छा आज का कौन सा हीरो, ठीक है कौन सा हीरो अगर विलन का कैरेक्टर करे तो बहुत अच्छा करेगा? हमारे पास ऑप्शन है फवाद खान को तो जानते होंगे ना, फवाद खान, दानिश तैमूर और हुमायूं सईद, इन तीनों में से बेस्ट विलन की एक्टिंग कौन करेगा आपको क्या लगता है? हुमायूं सईद, फवाद खान या दानिश तैमूर? हुमायूं सईद करेगा। हुमायूं सईद अच्छा विलनिश कैरेक्टर करेंगे? और आपको क्या लगता है हुमायूं सईद ज्यादा अच्छे विलन बनेंगे, दानिश तैमूर या फवाद खान? मैंने हुमायूं सईद को देखा है हीरो, हीरो के तौर पर तो मैंने देखा, तो आपको है एक ड्रामा भी किया था उसके साथ, जावेद फाजिल डायरेक्टर था। जी जी, तो आपको लगता है अच्छा करेंगे विलेन का कैरेक्टर ये, या फवाद ज्यादा अच्छा करेंगे या दानिश तैमूर ज्यादा अच्छा करेंगे? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, ओके ठीक है जी। अगला सवाल ये कि आज की कौन सी हीरोइन अगर आपके दौर में होती तो आप डायरेक्टर से लड़ते कि नहीं मुझे विलन नहीं मुझे हीरो, इस हीरोइन के साथ वो फेवरेट होती ना आजकल की हीरोइनों में? ऑप्शन है जी सबा कमर, माया अली एंड माहिरा खान। मैं सबा कमर के लिए। सबा कमर अगर होती तो आप कहते भाई मुझे तो हीरो बनना है बस, मुझे नहीं पता। अभी अभी हमने एक फिल्म की है घबराना नहीं, मैंने और सबा ने, हाँ तो उसमें इसी तरह का रोमांटिक हम दोनों,
किरदार। क्या बात है, आपको क्या लगता है, आप लड़ते कि जी मुझे मेरी हीरोइन जो है वो माया अली होनी चाहिए, मायरा खान या सबा कमर? अब ये मेरे लिए अलमिया है कि सबा कमर अब आई है, जब मैं बाप के रोल कर रहा हूँ। अलबत्ता सबा कमर ने मेरे साथ एक ड्रामा किया। अच्छा, उसमें मैं बाप ही बना हूँ। हाँ, तो आप कहते हैं सबा कमर होती तो देर से क्यों आई, पहले क्यों नहीं? पहले आती ना, पहले जब मैं भी जवान था। अच्छा जी, अगला सवाल करूंगी। बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और फिल्मी है, उसके अंदर वो चीज है जो फिल्म में होनी चाहिए हीरोइंस के अंदर, है ना? अच्छा, किस फिल्म की हीरोइन के लिए आपका दिल गोलियां चलाने के बजाय गोलियां खाने के लिए करता, अंजुमन, निशु जी या शबनम जी? मेरा तो गोलियां चलाने को ही दिल करता। आप बताएं भाई, इन तीनों में से किसके लिए आप गोलियां चलाने के बजाय गोलियां खा लेते? अंजुमन के साथ मैंने बहुत काम किया। अंजुमन के साथ? हाँ, बहुत फिल्में हैं। हाँ। सुल्तान नहीं और मेरे दरमियान अंजुमन, पहले आसिया होती थी। हाँ जी। फिर उसकी जगह वो चली गई तो अंजुमन आई। अंजुमन जी आ गई। उसके साथ बहुत काम किया। तो फिर आप उनके लिए गोलियां खाने के लिए कर लेंगे ना, ये उनको सेलेक्ट कर लेंगे? वो मेरे लिए गोलियां खाएगी। हम क्यों खाएं भाई, हम क्यों खाएं? मजा आता था कि आप लोगों को डांस नहीं सीखना पड़ता था, अब तो बेचारे लड़कों को 3-3 दिन जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप लोग बस गंडासा पकड़ के खड़े रहते थे, हीरोइनें घूम रही होती थी, नहीं? या आपको आता था डांस? डांस वांस आता? डांस किए हैं हमने, डांस भी किए। अच्छा, फुल फ्लेज्ड वो डांस? भंगड़े डाले हैं। भंगड़े आपको आता है डांस, अगर आपको किसी फिल्म में करना पड़े तो? मैंने बहुत सी फिल्मों में किया, अभी लेटेस्ट बाजी में मेरा जो डांस है वो बम्पर हिट है। कौन से हीरो को मारने में ना जरा दिल को सुकून मिलता था? सुल्तान रही, ये मैं आपके लिए दूसरे हीरो सेलेक्ट करूंगी, शान, गुलाम मुहिउद्दीन या सुल्तान रही, तीनों में से किसका मजा आता था ना आपको? एक्शन रिएक्शन अच्छा मिलता है तो जरा फाइट करने में मजा। इसमें भी मैं यही कहूंगा कि मेरी ज्यादा फिल्में और पंजाबी फिल्में राही के साथ हुई, तो सुल्तान राही को सेलेक्ट। हाँ, तो उसमें जब मैं शुरू में, शुरू की मेरी फिल्म में जब राही के साथ विलेन के तौर पर थी, तो जाहिर है मैं ही मार खाता था। अच्छा। लेकिन बाद में जब पॉजिटिव में आ गया मैं, और यानी निगेटिव टू पॉजिटिव, तो फिर होता था कि अगर 10 बिलो उसने मारने हैं तो 10 ही मैंने मारने। कभी ऐसा हुआ आपके वाकई में खून निकल आया हो, चोट लग गई हो, नाक फूट गई हो? जो एक एक फिल्म थी तूफान, हाँ, हसन अस्करी डायरेक्टर थे, हाँ, तो उनके पास कुल्हाड़ा था। अच्छा। और कुल्हाड़ा का पीछे ना वो था, क्या कहते हैं उसको, शार्प चीज थी कोई, तो उसने मुझे यूं मारना था। हाँ। तो टाइमिंग होती है एक्चुअली, फिर टाइमिंग उससे गलत हुई या मुझसे गलत हुई, वो मुझे यहाँ लग गया। ये आपका इसीलिए? ये बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए? ये तो कुदरती है। हाँ। ये लग गया तो दांत भी टकराई। ओहो। तो राही ने एकदम वो कुल्हाड़ा फेंक दिया और मुझे वो गले लगाया, और मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर आपको जाना तो नहीं पड़ा स्टिचेस लगाने? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए ये मैं बताता हूँ कि हमारा एक्शन जो होता है ना, एक तो टाइमिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, नंबर वन। नंबर टू, हम एक्सप्रेशन तो देते हैं कि पूरी ताकत लगा रहे हैं, बहुत, हाँ। लेकिन बड़ा हौला हथ होता है, बड़ा ऐसा होता है कि लग भी जाए तो फिर तो पता नहीं चलता। अच्छा, इनसे तो हम नहीं, तीन, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको, आप खुद बताएं कि आपको बहुत अच्छा फाइट सीन करने में किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आएगा? इनसे नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है आपको, मैं ऑप्शंस नहीं दे रही, आप खुद ही चूज करके बताएं। आपने किया है ना इतने सारे नए हीरोज के साथ भी काम किया है? शान के साथ बड़ा मजा आता है। शान के साथ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारी रेपो थी। हाँ। और जो फाइट करते थे तो एक दूसरे को टीच करके ना, अब मैं पेट पे मार रहा हूँ, अब मैं मुंह पे मार रहा हूँ, टाइमिंग बना के रिएक्शन दे रहा हूँ, तो हाँ। वो ज्यादा हम लोग एक दूसरे के साथ कमेंट्री करके फाइट करते थे, तो कभी चोट वोट लगी नहीं।
शुरू में जब मैं उर्दू फिल्में करता था जी, जी, तो मेरी जोड़ी मोहम्मद अली के साथ थी। अच्छा अच्छा, उसमें मैं विलेन होता था, मोहम्मद अली हीरो होता था। हालांकि मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, वो तकलीफ इसलिए होती थी कि हैदराबाद रेडियो में मोहम्मद अली भी था, मैं भी था, दोस्ती थी आप लोगों की बहुत। तो वहाँ ड्रामे हम करते थे, हाँ। तो उसमें मैं हीरो बनता था। तो अब मुझे फिल्मों में आना पड़ा। तो मोहम्मद अली क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पहले आया था, हाँ। मैं बहुत बाद में आया, हाँ। तो सीनियर थे मुझसे, तो वो हीरो बनते थे, मैं विलेन। तो वो मुझे फिर जब मारते तो मैं पता क्लैप लेने के लिए मैं क्या करता था? क्या करते थे? वो जैसे ही मुझे मार देते थे मैं था गिर के सोफे पे गिर के सोफे को उठा के फिर खड़ा हो जाता था। तो क्लैप मुझे मिलती थी। मोहम्मद अली परेशान हो जाता था। माय गॉड, ओ गाइस, कितने मजे के किस्से होते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल, कौन से विलन का किरदार अगर आप लोग करते ना तो ज्यादा अच्छा निभाते? बोल के मंजर से भाई, मुंडा बिगड़ा जाए का शफकत चीमा, या खुदा के लिए के रशीद नास? ये सरमत सहबाई साहब वाला रो मंजर सहबाई, सरमत सहबाई के भाई, यानी कि बोल के जो विलन थे उनका कैरेक्टर आपको लगता है आप करते तो बहुत अच्छा कर सकते थे? और बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, आपने देखी है खुदा के लिए, बोल और मुंडा बिगड़ा जाए? देखी नहीं। चले, इन तीनों एक्टर्स में से रशीद नाज, शफकत चीमा या मंजर सहबाई, तीनों में से आप कौन सा विलेनिश कैरेक्टर तीनों करते तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते थे? क्या मैं कर सकता? हाँ, अगर आपको करना होता, फर्ज करें खुदा के लिए में रशीद नाज की जगह आप होते, या बोल में मंजर सहबाई की जगह आप होते, या शफकत चीमा की जगह? तीनों मुझसे बहुत अच्छे हैं। अला, तीनों मुझसे बहुत अच्छे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। अरे, आपने नहीं देखी खुदा के लिए और बोल? नहीं देखी? हाय हाय, क्यों भाई, फिल्में देखना छोड़ दी? ऐसे वैसे सीन मीन देखे हैं, सीन मीन देखे, पूरी फिल्म नहीं, टाइम ही नहीं होता था। हाँ, ओके। अच्छा, इनमें से कौन से हीरोइंस जो मैं अभी ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ, हीरो से बचा के गोद में उठा के भागने के लिए हल्की होती हैं, जरा कौन ज्यादा हल्की कौन होती है? अंजुमन जी, साइमा जी या मीरा जी? क्या लगता है आपको, मतलब गोद में उठाने में आसानी होती है इनको? मीरा जी आसानी से उठाई जाती, आपको क्या लगता है, अंजुमन जी, मीरा जी या साइमा जी? मीरा जी करे तो मैं तीनों को उठाऊं। तीनों को एक साथ, ये बॉडी बिल्डिंग करने का ये फायदा है कि वजन ही नहीं पता चलता। हाँ, वजन नहीं पता चलता। और तीनों चाहेंगी भी कि मैं उनको उठाऊं। वो आंटी देख रही है ना प्रोग्राम, ये आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, फिक्र नहीं करें। अब रही नहीं आ रहा। दौर थे गुजर, हमारा पता है फिल्म इंडस्ट्री हमारा उस दौर में नहीं, बाद में आया है। फैमिली की तरह थे हम सब। जी जी जी, फैमिली की तरह थे, कोई सब इकट्ठे बैठा करते थे, ये तो मुझे पता है। देखिए, आप अगर 24 घंटे में से 18 घंटे साथ काम कर रहे हैं तो आप तो हर वक्त साथ है ना, साथ हैं हर वक्त। फैमिली में तो जाके आपने सो जाना है, तो बहुत अच्छा रिलेशन होता है हम लोगों का आपस में। हमने गपशप, दुख सुख, यकीन करें हमने अपने बच्चों को जब पैदा हुए थे, बच्चे थे साल, हाँ। दो साल, तीन साल के, हाँ। बेटी या बेटा, हमने उनको देखा नहीं, उनके उस बचपन को हमने एंजॉय नहीं किया। पर है ना, अभी आपके पोतियां माशाल्लाह, तो हमसे पूछते थे, हमसे हाँ। पूछते थे ना कि अब बेटा कितने साल का हुआ या बेटी, तो हम कहते थे कि इतना है, क्योंकि क्योंकि जब हम दो ढाई बजे घर जाते थे, सो रहे होते थे, और आपके देखिए अभी हम दिखाएं जरा पोतियों की तस्वीर, ये जो बच्चों का एंजॉय नहीं किया आपने टाइम, ये आपकी पोतियां, ये मैरीन है, पोती मेरी। अच्छा, ये मैरीन है, और दूसरी वाली जो छोटी सी थी वो ये आपके ऊपर चढ़ी हुई है, किसकी? हाँ। पेट पे लेटी हुई है फुल, देखें ये हो रहा है ना एंजॉय। ये क्या बात है, ये माशाल्लाह जन्नत। आप क्या काम करते हैं अपनी पोतियों के लिए, जैसे उनको स्कूल छोड़ना लेना, या क्या आप उनके अब लिए? तो हमें वक्त है ना, गर्मी हाँ, होते हैं हाँ। तो अब यही इनके साथ मैं खेलता रहता हूँ। क्या घोड़ा भी बन जाते हैं इनके पहले लिए? बल्कि आमिर या मेरी बेटी अरबिल, आप तो माशाल्लाह बड़े हाँ। तो वो शिकवा करते हैं मुझसे कि हमने इतना इनको जो जितना मैं प्यार देता हूँ हाँ। और इनके साथ जो बैठता हूँ उनके साथ मैं नहीं बैठता। तो अब नाना का काम, दादा का काम क्या क्या होता है पोतियों के लिए?
क्या आपकी ड्यूटी क्या होती है पोतियों के लिए? ओ मैं खेलता हूँ यार। हाँ। वो भागती हैं, मैं पकड़ती हैं, मुझसे फाइट करती हैं, जोडू कराते करती हैं। अच्छा। ओ माय गॉड। ओए होए। वो और बड़ी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, मुझे थका देती है। तो सही है ना, आपका जिम घर में ही हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। तो खाना वाना भी कभी ऐसा होता है कि खुद भी खिला देते हैं आप खाना वाना कि नहीं पोतियों को? हाँ वो उनकी माँ माशाल्लाह बहुत, माँ खुद डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके लिए हर वक्त तो कभी कभार आप बेबी सिटर बन जाते हैं अपने बेटे को, कहते हैं जाओ। अलबत्ता मेरे आकर यहाँ मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ ना। हाँ। तो पीठ पे आकर बैठ जाती है। तो मैं बड़े आस्ता से सज्जे से उठता हूँ या सज्जे में जाता हूँ, वो उनको गया वो झूला में झूला। क्यूट। वाओ। फिर वो बैठ जाती है कि लेट अस गो टू शॉप। अच्छा। अंग्रेजी बोलती है। हाँ। कि लेट अस गो टू शॉप। अच्छा। शॉपिंग के लिए फिर मैं उनको कंधे पे बिठा के तो वही पास दुकान ये है। ये आप एंजॉय कर रहे हैं ना, तो ये टाइम शॉप करती है चॉकलेट वगैरह। हाँ। लॉलीपॉप ये वो। वाओ। ये मजे का टाइम होता है भाई। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। आजकल के ड्रामे के जो विलन्स हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि मजीद गुंडागर्दी के थोड़े विलेनिश, थोड़े और गुर जो हैं, वो इन तीनों में से ज्यादा और किसको सीखने चाहिए, गौर रशीद, सलीम मेराज या यासिर हुसैन? मतलब इन तीनों में से ज्यादा अभी विलेनिश गुर सीखने की किसको जरूरत है, क्या लगता है? अच्छे अच्छे रोल इनको मिलते रहेंगे जी जी, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। थोड़ा और सीखने की, यासिर हुसैन, सलीम मेराज या गौहर रशीद, इनको थोड़ी सी और, जैसे सबने सीखा, आप लोगों ने भी सीखा है, इन्होंने भी सीखा है अब वक्त के साथ, गौहर को थोड़ी सी और सीखने की अभी थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा और पॉलिश होने की। पॉलिश होने की। आप इनको पहचानते हैं? नहीं यार, मैं सलीम मेराज को नहीं जानता। आप सलीम मेराज को, यासिर हुसैन और गौहर को नहीं आप जानते? गौहर रशीद ड्रामे में नहीं देखते, तो इसलिए तो सलीम मेराज सही विलन बनते, क्या लगता है आपको? अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ। ओके जी, अगला सवाल। खुद को विलन बनवाने के लिए एक्टिंग के अलावा जो सपोर्ट करता है एक हथियार, वो ज्यादा आपको कौन सा लगता है, ज्यादा रूपदार क्या है, गंडासा, गन या तलवार, क्या लगता है आपको? इसमें तो आपने गंडासा दिखाया ही नहीं। ये वो गंडासा कुल्हाड़ी दिखा दी गंडासा के बजाय। हाँ मुझे पता है गड़बड़ कर दी उन्होंने, लेकिन मैंने गंडासा बोल दिया। वो गंडासा वो लंबा होता है, डंडा टाइप होता है, एक लंबा सा। हाँ। तो आपको तो लगता है कि पावरफुल हमारी पंजाबी फिल्मों में खासतौर पर आई ने तो ज्यादातर गंडासा ही इस्तेमाल किया है। तो आप गंडासे को वोट करेंगे कि वो उससे जरा विलेनिश लुक आती है? जाहिर है, मैंने और मेरे पास कुल्हाड़ा होता था। अच्छा, हाँ, मेरा कुल्हाड़ा। तो आपका तो कुल्हाड़ा है ना, इसीलिए कुल्हाड़े से ही मैंने मौला जट में ना उसकी एंड जो होता है। हाँ। तो मैंने अपनी टांग खुद काटी थी। ओके। और एक डायलॉग था आखिरी जिसपे फिल्म सुपरहिट हो गई थी के ले जाओ मेरे जिस्म दा टुकड़ा भी थे, जिगर दा टुकड़ा, जिगर दा टुकड़ा मेरी बहन थी। हाँ। वो गोया राई के वाली। हाँ। तो उस पे क्लैप हो गई। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा औजार है जो आपको ज्यादा ज्यादा नेगेटिव रोल में सपोर्ट करेगा, रोबदार लगता है? पिस्टल। हाँ, पिस्टल। आजकल के फैशन में पिस्टल है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आपने कैरेक्टर्स जो आप करते हैं उसमें आप भाई औरत का रूप भी धार लेते हैं, हैं इस तरह के कैसे, वो कैसे करते हैं मेकअप शेकअप ये वो सारे बाल वाल बिल्कुल डिफरेंट? हमारे इतने सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए तो इन्हीं को देख देख के हम लोग आगे बढ़े हैं। थिंकिंग की बात होती है ना। एक कैरेक्टर है आपको मिलेगा। हाँ। आप उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करें। हाँ। एक कैरेक्टर मुझे मिलेगा, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से, आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि मैंने ये, जैसे मैरून निसा वी लव यू, जब मैंने यासिर से कहा कि जी इस तरह पीछे पैड और इस तरह का ड्रेस और ये वो, तो वो कहते जी इस तरह आप कर लेंगे, मैं कहा देख लेना मैं कर लूंगा। तो वो फिर वो गेटअप करके मैं सामने आ गया है गर्मी में, तो वो मेरी मुझे कहता है हैं ये क्या है, मैंने कहा बस ये किरदार इस तरह से। हाँ, हाँ। तो वो चीजें मैं खुद सोचता हूँ और आज के दौर के हिसाब से कि भाई अगर आज से 10 साल 20 साल बाद भी अगर ये चीजें स्क्रीन पे आए तो लोगों को बुरी ना लग रही। हाँ। लोग इसको इससे अट्रैक्ट हो, तो वो काम वो कैरेक्टर वो गेटअप मैं करता हूँ। मेकअप करवाने में कितनी मुश्किल होती होगी, कितनी उलझन होती होगी,
हैं। फिर वो उस वक्त जब बैनुन साहब आई लव यू में एक्सटेंशन लगाई थी, गुत लेके आ गए थे बहुत बुरी सी, अच्छा चोटी, चोटी ही ले आए थे, फिर उसको हटा के फिर वो बाल वो लाया और उसको काटा, बॉब कट और सारा वो बनाया खुद ही, सारा कुछ जबरदस्त। ओके जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, बहुत सारे मजे मजे के सवाल जवाब मेरे दिमाग में है। दो विलन्स है मेरी, एक तरफ और दूसरी तरफ भी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। एक तरफ मेरे पास यहाँ बैठे हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, दूसरी तरफ नैयर एजाज साहब, और इनसे बहुत बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। मैं हैरान, मुझे थोड़ी सी आप लोगों के आने से पहले भी थोड़ा सा खौफ था कि भाई रोबदार पर्सनालिटीज़ हैं आप दोनों की, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह आप दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि हम ब्रेक के दौरान भी बड़ा हंस रहे हैं। मैं कुछ सवाल आप लोगों से जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे आपसे बहुत सारे किस्से भी सुनने हैं आप लोगों के करियर से रिलेटेड। कौन सी हीरोइन है जो बैक ऑफ द कैमरा भी घबराती थी ज़रा आपसे ना, तो एक थोड़ा रोबदार पर्सनालिटी होती है इंसान की, तो वैसे भी ऑफ कैमरा भी थोड़ा बात करते हुए झिझकती थी, घबराती थी, कौन सी हीरोइन ऐसी है? दोनों जरा सोच के बताएं कौन सी हीरोइन है, आप भी सोचें। क्या हीरोइन घबराती थी? हाँ घबराती थी ना थोड़ा सा कि भाई कोई ऐसी बात ना कर दूं, कोई माइंड ना कर जाए, ऑफ कैमरा भी। वैसे तो ऑन स्क्रीन तो वैसे ही हीरोइनें घबराती हैं भाई उठा के ले जाएंगे फलाना, जो जो भी सिनेरियो होते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा भी ना जरा झिझकती थी, घबराती थी, कौन सी हीरोइन थी ऐसी? नहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई इज्जत की वजह से भी ना, रिस्पेक्ट की वजह से, रूपदार पर्सनालिटी की वजह से, खुल के जो बात नहीं कर पाती थी आपसे, बल्कि मैं घबराता था। आप किससे घबराते हैं? कहीं मेरा हाथ कहीं लगना, वो थोड़ा सा ना एहतियात करना पड़ता, तो घबरा के ही रहना पड़ता। तो आप सबसे ज्यादा किससे घबराते थे? आप किससे घबराते थे सबसे ज्यादा? ज़ेबा से। ज़ेबा जी से? क्योंकि एहतराम था ना, भाभी के तौर पर थी, मोहम्मद अली की बीवी थी। आप खुद घबराते? बल्कि एक फिल्म थी मेरी नजमा, तो मोहम्मद अली और ज़ेबा दोनों हीरो हीरोइन थे, तो उसके साथ मेरा रेप सीन था, तो मैं बड़ा परेशान था, पसीने छूट रहे थे आपके पहले से, मैं कैसे करूंगा। ओए होए, तो मोहम्मद अली भी सेट पे था। हाँ। तो मोहम्मद अली भाप गया, मोहम्मद अली सेट से चला गया, सेट से चला गया। हाँ। ताकि मैं खुल के कर लूं। आप बताएं आप कौन सी हीरोइन आपको लगता है वैसे भी ना आपकी पर्सनालिटी की वजह से जरा सा घबराती हैं? नहीं मेरे से वो एक्टिंग में वो थोड़ा सा वो होती थी कि जी आप अबव एक्टर है और हाँ। बाकी उस तरह से कोई घबराती नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन थोड़ी नर्वस हो जाती है ना आपके सामने एक्टिंग करने से, कौन सी ऐसी? इस तरह कभी तो सोचना पड़ रहा है? नहीं वो हुआ नहीं। किस किस के साथ काम किया है अभी तक? अगर मेरे ख्याल है नई लड़कियों में भी सबके साथ हो गया। हाँ। पुरानी में जैसे सायमा है। हाँ। रेशम है, मीरा। आप किसी से घबराते हैं जैसे ये घबरा रहे हैं उनके साथ? आप घबराते हैं किसी से? नहीं, मेरा रैपिड फायर जो है ना वो स्लो मोशन में आ गया, जो इस तरह का हुआ नहीं है ना इसीलिए। अच्छा फिल्म के अलावा आप किन जगहों पर जरा आपको लगता है मुझे बदमाशी करने की जरूरत है? जब फैमिली के साथ जा रहे हों कहीं। हाँ। और जो चाहने वाले हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, वो प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यार इनकी फैमिली भी साथ है, और वो इतने बेतकल्लुफ होके आप पे हाँ। चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर उधर थोड़ा सा अपना रोब दिखाना पड़ता है। और आप बताएं जरा, आप फिल्मों के अलावा आपको कहाँ लगता है बदमाशी की जरूरत जरा मुझे पड़ेगी? बदमाशी नहीं, हीरोशिप। हाँ वही हीरोशिप, बदमाशी। हीरो बनना कहाँ जरूरी है? जो बदतमीजी करेगा, गुस्ताखी करेगा, तो फिर उसको। कभी ऐसा हुआ है कभी मोहल्ले में कहीं रहते हैं आप, रिश्तेदारों में किसी ने जरा थोड़ा सा दिखाया हो जरा रोब, तो आप खड़े हो गए, ओए कोई ऐसा हुआ है इंसिडेंट आपके साथ? कई वाकये हुए हैं। अच्छा एक तो मैं आपको अपनी जवानी का बताऊंगा। हाँ। नौजवानी, बल्कि नौजवानी का, फिल्म में आने से भी पहले। अच्छा सेवन शरीफ मेरा गाँव है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ जब उस शरीफ होता है, मेला होता है जी, तो हम वहाँ होते हैं। हाँ। तो बाजार में
मैं निकला था जी, रश होता है बहुत मेले पे, हाँ, तो कुछ तीन चार ऐसे लड़के थे, उन्होंने कोई धक्का वक्का दिया था मुझे। अच्छा, फिर? तो मेरा ऐसा है कि मैं बोलता नहीं हूँ, यानी झगड़ा होता है ना, वो तू ऐसे आए, तू आगे से वो बोल रहा है, मैं कैसे, नहीं नहीं, फिर क्या करते? डायरेक्ट एक्शन, गुस्सा आता है मतलब एक। अच्छा, एक तो ये, दूसरा फिल्म में, फिल्म में क्या फिल्म का नाम था, गरम मिजाज है आप, वैसे गुस्से के तेज हैं, होना चाहिए, एकदम गुस्सा आ जाता है, होना चाहिए, ये भी जरूरी होता है, हर वक्त ही आप नर्म ना भी रहे। और आप हैं गुस्से के तेज? मैं हूँ गुस्से के, हैं एकदम आता है गुस्सा, बहुत ज्यादा आता है, लेकिन टेम कर लिया मैंने अपने। तो करते क्या है गुस्से में, क्या क्या चीज तोड़ चुके हैं अभी? नहीं, वो मतलब ये था कि मैं जब लड़ता नहीं था तो ज्यादा, वो जब लड़ाई होती थी फिर ये होता था कि या वो नहीं या मैं नहीं, ओए, ओए। वो एक्सट्रीम जाता था, ओए, ओए। तो फिर वो अपनी तरबियत की कि नहीं यार ये चीजें हटाना है। एक फिल्म थी, उसका हालांकि डेट नहीं थी उसकी, अच्छा, तो डायरेक्टर ने कहा कि यार रिक्वेस्ट किया, सुल्तान राय ने सुबह का टाइम टेडी शिफ्ट 7 बजे दे दिया। ये देखो 7 बजे तब आप उठ जाते थे, हैं? हाँ, तो 4-5 फिल्में रोज करते थे, शूटिंग तो करना पड़ता था, बहुत काम था इनके दौर में, तो माशाल्लाह बहुत बरकतें, माशाल्लाह, तो पैसे भी कमाए और इज्जत। तो मैंने कहा चलो यार मैं आ जाऊंगा। अच्छा, हालांकि मेरी और शूटिंग थी, उसके बाद और थी, उसके बाद और थी, इस तरह। तो बारी स्टूडियो में, मैं उस डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, तो मैं राही पहले पहुंच जाता, और जैसे सोता ही नहीं था ना, वो पहले पहुंच गया, तो डायरेक्टर ने उसके कट टू कट शॉट होते हैं वो, अच्छा, उसके ले लिए, मैं कुछ देर में पहुंचा। अच्छा, देर में उसने बड़ा शाउट करके मुझसे बात, डायरेक्टर ने, हाँ डायरेक्टर ने, अबे अभी आए हो, राही साहब चले गए, ये वो। मैंने कहा जरूर, मेरी कोई डेट तो नहीं है ना तेरी, मैं फिर भी एहसान कर रहा हूँ, मैं फिर भी आ गया हूँ ना, तो मैं उसको एक दो बार आराम से वो दिया, 10 फीट जाके वो गिरा, वो अब सारे स्टाफ ये वो सब उठा, फिर दूसरा उसने जनाब जो शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसके दोस्त थे कोई लाहौर के पहलवान थे, उनको फोन कर दिया, वो भी जीप में मुसल्ला भर के आ गए बारी स्टूडियो में, फिर मेरी गाड़ी खड़ी, इसकी गाड़ी जला दो, ये वो बड़ा, फिर हुई आपकी गाड़ी को कुछ किया? अब नहीं, लेकिन वो जो आए ना पहलवान, हाँ, वो आकर मुझे उन्होंने गले लगाया, वो फैन निकले, वो कोई साहब ये पागल है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कुछ कि कहीं आपको किसी को सेट पे जो है सेट पे नहीं मतलब ऐसे, वैसे कई दफा हुआ, जैसे कहीं बाजार में या बाजार में मोहल्ले में इधर उधर कई दफा हुआ है। हाँ। वो जब स्टार्ट का दौर होता है ना, जब आपको पता नहीं होता कि यार आपने किस तरह बिहेव करना है, कैसे चलना है, तो वो आप अपने मोशन और मूड में होते हैं। अच्छा, तो वो जब मैंने देखा कि काफी 2-4 दफा ये सब हुआ है, तो उसके बाद फिर समझ आ गई कि यार ये तो मैं तो किसी और तरफ ना निकल जाऊं। हाँ। तो फिर वो अपने आप को बड़ा समझा बुझा के, क्या वो लड़कों से होती थी लड़ाई? हाँ, किसी के साथ भी। अच्छा, बदतमीजी जरा सी की, जो डंडे उठाए और बात को पहुंच गया। एक दफा तो बस तखवा अपने मोहल्ले के ही ना, मैं लाहौर आ गया था तो गया। हाँ। तो छोटा भाई क्वेटा में था जी, तो वो अकेला था, तो लोग उसको बड़ा वो करते थे। हाँ। तो वो मैंने एक लोहे का इतना बड़ा डंडा लिया और लाइन खींच दी, भाई जिसमें ताकत है इस लाइन से इधर आ जाए, तो आज वो नहीं या मैं नहीं। तो वो फिर उसके बाद मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार तू बदमाश है क्या, क्या मतलब ये क्या काम कर रहा है? मैं खामोश हो गया, मैंने नहीं बेटा ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो वो फिर मैंने गुस्सा जो है ना उसको बड़ा कम, अब मुझे गुस्सा आता है तो मैं पी जाता हूँ। अच्छा, अब आपके माशाल्लाह भाई उस्ताद सलामत अली खान साहब, तो आपके अंदर भी गाने का कुछ टैलेंट है, कुछ आवाज में सुर शुर है? पता नहीं, कुछ थोड़ा बहुत होगा, कुछ सुनाए ना अगर कुछ आएगा। अब मैं अपना गाना लेके आया हूँ, अगर याद आ जाए तो ठीक है। सुनाता हूँ। हाँ। सर इजाजत है, बिस्मिल्लाह।
मैं मतलब आप सोचिए कि विलेन आपको गाना सुना रहे हैं सुबह मॉर्निंग शो पे, कैसा लगेगा? तो मैं भी उसी आस में हूँ। और अभी आप एक विलेन से गाना सुनेंगे। अच्छा, अभी तक निदा ने कुरैशी साहब को और मुझे ना विलेन ही गर्दान दिया। वो जो हम लोग इतने वेरिएटेड कैरेक्टर करते हैं वो कोई जिक्र ही नहीं है भाई। देखिए विलन 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 मैंने तो बोल दिया, कॉमेडी की है, ओल्ड किया, जवानी में ओल्ड किया है, सिखों के रोल किए हैं, क्या क्या कुछ नहीं किया। वो एक विलन लगे हीरो, मैंने हीरो किया है, मुझ पे गाने पिक्चर आई। हां, मैंने पहले भी बोल दिया ना भाई, एक्टिंग तो आप लोगों की जो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एज विलन्स जो है ना, बहुत सारे लोग आप लोगों का मुकाबला ही नहीं कर सकते। एक फिल्म थी मेरी सार्जेंट जी, मेहदी हसन की आवाज मुझ पे गाना है। हाँ। तो अभी मेहदी साहब का ही गाना ही गा रहा हूँ। अच्छा, चलेंगे साथ। ठहरा है समा, हम तुम है जहां, आंखों से कहो आँखों से सुनो, धड़कन से कहो खामोश रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे, आवाज न दे। देखा जब से तुम्हें पूरे हुए गीत मेरे, चाहो यूं ही तुम्हें शाम से मीत मेरे, दिन शब में ढले, शब दिन में ढले, सावन बरसे, सदियां गुजरे, हाथों में सदा ये हाथ रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे, आवाज न दे। ठहरा रे समा। जबरदस्त, क्या बात। सुनिए, लोगों को पता है कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं। आपके मैंने कई गाने गाए हैं, टीवी से भी गा दिए, वो भी गा दिए, सबको पता है। हाँ, मैं मुझे पहली दफा आज पता चल रहा है, और बहुत सारे ऑडियंस जो हमें यहाँ देखते हैं उनको भी आज पता चला होगा कि ये भाई, ये टैलेंट भी आपके अंदर छुपा हुआ है माशाल्लाह। जब एक्टिंग से रिटायर होगा तो फिर इस शोबे में रोटी रोटी कमाने के सारे ना गुर सीख लिए जी, आगे जाके रोटी के नहीं। उसकी वजह ये है ना कि जब आपने शोबिज ज्वाइन कर, मैं आज के जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उन्होंने काम करना है, शोबिज को ज्वाइन करना है, अगर आप में सुर और लय नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप बहुत सुरीले हो जाए, नहीं, लय का अगर आपको पता हाँ। नहीं है तो फिर आप इस काम में बहुत पीछे रह जाएंगे। एक्टिंग का भी तो एक रिदम होता है ना। एक्टिंग है ही रिदम। दुनिया तो रिदम पे चल रही है, अगर आप उसको देखे तो रिदम है। दिल धड़कना धड़कना भी रिदम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बगैर नहीं कुछ हो सकता। अच्छा, कुछ किस्से हैं जो मैं आप लोगों के शेयर करना चाहती हूँ लोगों से। अब वो आप लोग ही, वो उस ऑब्जेक्ट को देखकर आप लोगों को याद आएगा कि ये कौन से हमारी सुनहरी यादें हैं जो आपको आज तक याद है। दिखाओ भाई ऑन स्क्रीन। हाँ, अच्छा, मुस्तफा कुरैशी साहब, आपकी याद इससे वाबस्ता है, रीच से। ये रीच का क्या किस्सा है भाई, ये क्या हुआ था? ये क्या रीच वीच था किसी फिल्म में, क्या चक्कर था? फिल्मों में शेर से भी फाइट की है। और रीचों से भी की है। हाँ। और सांपों से भी की है। अरे बाप रे। तो रीच का जब आपने ये दिखाया तो उसके, मेरी एक फिल्म थी, असलम डार साहब डायरेक्टर थे, बागी। अच्छा। बागी सिपाही या बागी। तो उसमें सीन था कि सुल्तान राई को मैं छोड़ देता हूँ, मेरे कैद में। हाँ। मैं उसे छोड़ देता हूँ, जंगल में मैं रहता हूँ। अच्छा। वो निकल जाता है, तो मैंने उसे चैलेंज किया है कि तू निकल जा, लेकिन मेरा, मेरी जो हद है हाँ। उससे पहले मैं तुझ तक पहुँच जाऊँगा, निकलने नहीं दूंगा, उसको छोड़ देता हूँ। तो वो निकलता है, भागता है, और मैं बड़े आराम से लॉन्ग शूज पहन रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि मुझे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये पूरा स्क्रीन पे है फिल्म। हाँ, ये ट्रीटमेंट है। अच्छा। जब मैं जंगल में घोड़े पे गुजरता हूँ तो रीछ पड़ जाती है।
अच्छा वो रीचों वाला जो सीक्वेंस था तो डायरेक्टर ने दो रीच मदारियों के होते हैं ना जी 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 वो बुला लिए जैसे अभी ये आपने दिखाया ना हाँ तो उसके भी नकेल पड़ी हुई थी हाँ जी रीच की ये अभी मैंने देखा हाँ तो वो चूंकि मदारियों के थे फालतू थे तो नकेल डालते होते हैं ठीक है तो कहने के जी ये दो रीच है और बाकी चार फाइटर्स थे अच्छा उनको रीचों की वो खाल पहना दी थी अच्छा 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 सही है तो चार जो है वो इंसानों को खाल पहना दी थी और दो असली के थे फिर असली तो मैंने कहा भाई डायरेक्टर ने कहा जी अब ये जो असली है ना उसके साथ आपने असली के साथ लड़ना है हाँ तो मैंने उस मदारी से कहा मैंने कहा दी नकल निकालो नकेल हाँ जो ये क्योंकि जंगल का है ना उसमें हाँ, ये तो नहीं होगी वो फिर फिल्म में बंद हो जाएगा तो उसने वो जैसे ही निकाली हाँ, तो रीच उस पर पड़ गया अरे बाप रे उसका मालिक जो था उस पर पड़ गया हाँ, मैंने कहा अब ये जब तुम पर पड़ गया तो मेरा क्या असर करेगा बहरहाल फिर ये तय हुआ कि जो ओरिजिनल है ये दूर दूर रहेंगे अच्छा दूर दूर रहेंगे और जो वो फाइटर्स है वो करीब रहेंगे उनसे मैं तो जब शॉट लॉन्ग शॉट हुआ ना उसमें सारा फ्रेम में था तो मैं उनसे लड़ते लड़ते एक मुझे ऐसा पड़ा ना हुक्का मैं था जाके यूं गिरा तो मैं उठा मैंने कहा तेरी वो फाइटर को मैंने गाली देकर मैंने कहा तू मैंने सचमुच मार दिया हाँ। कहने लगे साहब जी आप ओरिजिनल के पास चले गए थे आप वो जो सचमुच था आप उसके पास चले गए थे लॉन्ग शॉट था और पता भी नहीं चल रहा था एक तो ये हुआ नहीं अगला किस्से के फिर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी अगले किस्से के लिए तस्वीर दिखाऊंगी अब दिखाएं अगली तस्वीर दिखाएं ये इस किस्से की बात क्या है ये कुत्ता ये किसका किस्सा है अच्छा ये भी आपका ही है ये कुत्ते का किस्सा है ये है क्या है कि जब मैट्रिक का इम्तिहान था अच्छा फिल्म से आने से पहले जी 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 अब कल पेपर था हमारा हाँ। तो मैं एक दोस्त के पास हम सुबह की तैयारी कर रहे थे अच्छा तो रात को 2:30 बजे हाँ। फिर मैं जब घर आ रहा था जी जी। तो गली मैं कुत्तों से बड़ा डरता था शेरों से लड़ा रीछों से लड़ा लेकिन कुत्तों से डर अब भी डरता हूँ तो, एक तो कुत्तों से और फिर वो इंसान जो कुत्ते नुमा है हाँ। उनसे भी बहुत डर लगता है वो तो ज्यादा खतरनाक है वो ज्यादा था फिर अच्छा तो जब मैं गली में अपने घर की तरफ जाने लगा तो दूर से देखा अंधेरा सा था हाँ। कि कुत्ता खड़ा है फिर मैं वही खड़ा हो गया मैं गुजर नहीं रहा था हाँ। और इंतजार कर रहा था कि कोई गुजरे तो उसके साथ साथ में निकलूं तो कोई नहीं गुजर रहा था रात के 2:30 बजे हाँ। जब सुबह तक मैं सुबह की जब रोशनी सूरज तुलू हुआ रोशनी आप खड़े रहे वहीं गली में खड़ा रहा बूढ़े बाप रे तो पहला बंदा जो वहां से आया गुजरा हाँ। वो दूध वाला था अच्छा वो साइकिल पे जो डब्बे दूध के रखते हैं ना वो तो मैं फिर उसके साथ साथ हो लिया जब करीब हुआ तो वो बकरी थी पूरी रात जिसको आप ये डरते रहे वो बकरी ने आपको पूरी जबरदस्त आपके किस्से मैं बिल्कुल सुनने वाली हूँ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ देखा आप विलन नहीं कहती मैं खुश है ना आप लोग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी मैं तो हैरान हो रही हूँ उन लोगों से मिलके हालांकि मेरी सरसरी सी ऐसी मुलाकात है लेकिन ऐसी गपशप जो आज हुई है वो कभी नहीं हुई मगर बहुत मज़ा आया आप लोगों से इंटरव्यू लेकर और वो जो किस्से आपने सुनाए कमाल थे मज़ेदार भाई अब मैं आपसे भी किस्से सुनना चाहूँगी आइए दिखाते जरिए कौन सी ऑब्जेक्ट ऐसा जिससे याद आएगा कि क्या किस्सा है दिखाओ भाई ऑन स्क्रीन हाँ फ्रीज हुआ हुआ आदमी है कोई शायद वो जो नहीं अक्सर आप सिक्के मांग रहे होते हैं ये लोग जब हम ये स्टार्ट में एक सीरियल थी भंवर जी जी तो उसमें मैं एसएसपी बना हुआ था अच्छा तो पहला सीरियल कर रहे थे हाँ तो उसमें साइड पे वो राइटर लिखता है ना कि जी ये सीन है स्टार्ट होगा और यहाँ स्क्रीन प्ले सारा लिखा हुआ था तो उसमें लिखा था कि जी ये जब सीन खत्म होगा तो एसएसपी फ्रीज हो जाएगा अच्छा तो अब मेरा नाम
एक्शन हो गया, सीन में कर रहा हूँ बात बात करने के बाद, उसके बाद अचानक मतलब जब सीन खत्म हो गया तो मैंने कहा मैंने तो फ्रीज होना है, तो वो जब सीन खत्म हो मैं वहीं फ्रीज खड़ा था। तो डायरेक्टर कह रहा है यार आगे चल आगे चल, मैं कहा मैं तो फ्रीज हाँ। Oh my God, this is hilarious. ये तो ब्लूपर्स में होनी चाहिए चीजें, अगर आजकल का जमाना होता तो आपको ब्लूपर्स में नजर आती। ओके जी, इस सहरी और रोजा अवतार इसका ही कुछ सिनेरियो लग रहा है मुझे, इससे क्या याद है आपकी? नबील जो बुलबुले में माशाल्लाह हम लोग भाइयों की तरह, तो लाहौर में जब मैं आया नया नया तो नबील के साथ ठहरा हुआ। अच्छा। तो सर्दियां थी तो रात को हम लोगों ने कहा जी एक फिल्म देखी, उसके बाद हमने कहा यार सहरी करेंगे। हाँ। नमाज पढ़ के सोएंगे। हाँ। तो पहले नहीं सोएंगे, ठीक है जी हो गया। हाँ। फिल्म देख ली, सहरी कर ली, नमाज पढ़ी और सो गए। हाँ। अचानक दरवाजा खटक रहा है, धक 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 धक, उठे हम लोग डर के, क्या हुआ कौन हो? कहा भाई अफ्तार हो गई है, रोजा अफ्तार पर सब सोए हुए थे। ओह माय गॉड, वैसे बहुत सारे लोग कोरोना के टाइम्स में तो ऐसे ही किया है, क्योंकि सब कुछ बंद था, बंद से सोए हुए वो तो सो के अवतार पे उठते थे और रोजा खोलते थे। हाँ भाई दिखा भाई नेक्स्ट पिक्चर, जीप का क्या सिनेरियो? ये जीप का सिनेरियो ये है कि मैं लॉक कर रहा था और इस तरह से जा रही थी और आगे जाके खाई थी सड़क। हाँ। ऐसे जा रही थी। हाँ। तो वो जो ड्राइव कर रहा था वो जालिम पता नहीं क्या हुआ, उसने छलांग मार दी, जो ड्राइव कर रहा था उसने छलांग मार दी और मैं पीछे बैठा हुआ था, अल्लाह ने बचाया बस, वरना मैं खाई में ही गया। तो क्या वो गाड़ी रुकी कि नहीं रुकी? रुक गई बस, वो खाई से पहले जाके खुद ही रुक गई। तो उसको कूदने की क्या जरूरत पता थी? नहीं क्या हुआ ये। मैं भी अपने जौहर दिखाऊंगा, आज गए थे हम लोग दुनिया से, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैंने ये भी सुना है कि कहीं आपका कोई ड्रामा देख के किसी खातून ने पिटाई चपेट लगाया था। लाग में वो ये था कि मैं एक हमेशा ना शेव कर रहा होता हूँ तो बीवी खड़ी होती है और गाना गा रहा होता हूँ। अच्छा। तो वो लाग में ये आपका कैरेक्टर इस तरह का, उसको मैंने बनाया था, स्विच ऑन ऑफ होता है उस आदमी का, कि एकदम उसका रिएक्शनरी हो जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो उसको एकदम याद आता है कि ये शायद मेरे दोस्त के साथ इसका लव चल रहा है, तो वो ब्लेड निकाल के उसके मुंह पे मारता है, बीवी के ना ये सीन था, ये सीन था। अच्छा। तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था तो एक खातून आई, उन्होंने मुझे आकर जनाटेदार थप्पड़ मारा, परेशान के मैंने क्या किया भाई। हाँ। ना मैं जान ना पहचान, आपने मुझे क्यों मारा? उसने कहा भाई हम लोग 30 साल से हमारी शादी थी और मैं इसी तरह खड़ी होती थी। हाँ। ऐसा तुमने खौफ डाला है कि अब मेरा भी बाथरूम जाता है मैं खड़ी नहीं होती। अरे कहो यार इतना इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों। तो देखिए ना उस वक्त तो ड्रामे पीटीवी के जो होते थे उसके लिए तो रोडे सन्नाटा ब्लॉक हो जाते थे। ऐसे कई कई हमारे साथ हुए हैं जब विलेन। आपको भी कहीं मार पड़ी है? नहीं मार तो नहीं पड़ी। एक मेरी फिल्म थी अंदलीप। हाँ। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा। बहुत अच्छी, बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। अच्छा। तो उसका प्रीमियर था सिनेमा में। अच्छा। और उसमें हम सारे आर्टिस्ट, बैदुराज शबनम मैं तालिश साहब ये और प्रोड्यूसर वगैरह। हाँ। ये सारे सिनेमा में थे। अच्छा। फैमिलीज बहुत इनवाइटेड थी। तो जब फिल्म खत्म हुई उसमें मैं विलेन था। हाँ। हालांकि आलिया मेरी हीरोइन थी। अच्छा। मेरा गाना भी है उसमें। तो जब फिल्म खत्म हुई तो अब निकल रहे हैं गैलरी से। हाँ। तो मेरे कानों में आवाज पड़ी, हाय अल्लाह मुस्तफा कुरैशी कितना जलील जलील। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा बीबी आप मुस्तफा कुरैशी नाम ना लेती, वो सलीम नाम लेती जो कैरेक्टर का नाम है। जो कैरेक्टर का नाम वही तो। लेकिन ये भी हमारा हमारी परफॉर्मेंस अवार्ड है, एप्रिसिएशन है। यस एप्रिसिएशन। और हम हैं विलेन है तो हीरो है। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ, एक्शन है, एक्शन रिएक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव ये चीज तो चलती है जिंदगी में। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप दोनों बहुत बहुत प्यारे एक्टर्स हैं और हमारे यहाँ इतने एक्टिंग स्कूल्स नहीं है, तो आप लोगों का काम देख के जो नई नस्ल है वो उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया कि आप लोगों का काम देखें। और अब तो यूट्यूब है ना, उसकी मदद से बहुत सारी चीजें वो आप लोगों से सीख सकते हैं। तो आप लोग इंस्टीट्यूशन है हमारे यंग जो लॉट है उसके। ये हमारी गोया कुर्बानी है,
कुर्बानी यूं कि हम गालियां इनवाइट करके, नफरतें इनवाइट करके, बिल्कुल जो ईविल्स हैं माशरे के, जो शैतान सिफत लोग हैं, उनको पोर्ट्रे करते हैं आप, उनको हम बेनकाब करते हैं स्क्रीन पर, और आगे जो हीरो है, जो नेक है, उसको उजागर करते हैं। लेकिन साफ बात है, हमें आज ये पता चला कि एक विलन जो शेर से लड़ा, रीत से लड़ा, कुत्ते से डर गया। ये एक ऐसा कोई खौफ चूहे छुपकलिए इससे आपको है कुछ? नहीं, नहीं, मुझे आपको किसी चीज से नहीं। ऊंचाई, लिफ्ट में बंद होना, लिफ्ट से घबराता हूं। लिफ्ट से घबराते हैं, सीढ़ियां प्रेफर करते हैं? प्रेफर करता हूं कि सीढ़ियों से जाऊं, सीढ़ियों, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि एक डोमिनेटिंग रोबदार पर्सनालिटी होने के बाद कहीं ना कहीं इंसान का एक ऐसा खौफ होता है, तो वो है। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी कैंपेन जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और खुशखबरी भी ये है कि जो कैंपेन मैं आपके जिसके बारे में बताना चाह रही हूँ, पोलियो के खात्मे की कैंपेन का आगाज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे NID सितंबर से शुरू हो चुका है ना, और 24 सितंबर तक ये चीज़ जारी रहेगी। ये इस साल की 3rd NID कैंपेन पाकिस्तान में जारी सारी है, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 150 अजला, जिसे उर्दू में कहते हैं, इससे 40 मिलियन बच्चे मुस्तफीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। 2021 में पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमाया कमी मौसूल हुई है, और बहुत खुशी की बात यह है कि जो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में तो ख़त्म हो गया पोलियो, लेकिन पाकिस्तान में नहीं ख़त्म हुआ था, लेकिन इस साल 2021 में सिर्फ एक केस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, और ये एक खुशी की बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। हमारे साथ डॉक्टर रुबाबा खान बुलैदी मौजूद हैं, जो कि पार्लियामान सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज मिनिस्टर हेल्थ बलूचिस्तान है, और चेयरपर्सन वुमेन पार्लियामेंट्री कोकस है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये तो खुशी की खबर है कि 2021 में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, और इस तरह इंशाल्लाह हम पोलियो का खात्मा करके दुनिया के सामने सर ऊंचा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में भी पोलियो का खात्मा हो चुका है। जी, कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबाबा। वालेकुम अस्सलाम नेदा, हाउ आर यू? जी, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा सुनने में आया है कि पोलियो ड्रॉप्स के साथ विटामिन ए भी दिया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? देखिए, विटामिन ए ड्रॉप्स जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको बताऊं तो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इंक्रीजेस द प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट पोलियो वायरस, इम्यून सिस्टम थोड़ा बेहतर करती है। मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि विटामिन ए का जब हम सप्लीमेंटेशन भी साथ देते हैं तो वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देता है किसी भी इन्फेक्शन में, और पोलियो वायरस के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक ड्रॉप्स पिला रहे हैं बच्चों को तो उसके लिए साथ ही साथ सपोर्टिव एक चीज़ हमें देने की ज़रूरत है, ताकि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बॉडी का बढ़ जाए और वो इन्फेक्शन जो है कंप्लीट तरीके से कंट्रोल हो सके। अच्छा, साल में कितनी बार ये ड्रॉप्स दिए जाएंगे, और उम्र का क्राइटेरिया भी मुझे बताइए कि कितने साल के बच्चों को देने चाहिए? पोलियो वायरस के हवाले से आप बात करें कि अगर पोलियो ड्रॉप्स की बात करें तो ये कैंपेन्स, हमारा इरादा है कि 3-4 जो है नेशनल कैंपेन्स साल में चलाई जाएंगी, ताकि कंप्लीट इरेडिकेशन की तरफ हम चले जाएं। ठीक है, और एज क्राइटेरिया तो इसका यही है कि न्यू बॉर्न से लेके 5 ईयर्स तक, ये इसका एज क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, वो उनके वालदैन वैसे ही बहुत घबरा रहे होते हैं ना कि पता नहीं पोलियो के कतरे पिलाएं ना पिलाएं, अक्सर लोग तो घर में दाखिल भी नहीं होने देते, तो आते हैं पोलियो वर्कर्स लेकिन वो मना कर देते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? इसके लिए देखिए, पहली बात तो ये है कि जाहिर है एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस टू देयर पेरेंट्स, और माँ बाप चूंकि हमारे यहाँ एक अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस किसी चीज की नहीं है, तो लोग जो है वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं, यानी कि अगर किसी ने अपने बच्चे को कोई ड्रॉप्स पिलाए और या कोई इंजेक्शन रूटीन इम्यूनाइजेशन का लगा और बच्चे को बुखार हुआ, जो कि एक नॉर्मल चीज है कि साइड इफेक्ट होते हैं, बुखार हुआ या उस स्पॉट पे वैक्सीन में होते हैं, हर वैक्सीन में हर बिल्कुल इस तरह हो तो होता या वहाँ उस स्पॉट पे रेडनेस आ गई या कुछ हुआ तो वो समझते हैं कि शायद बच्चे को कुछ हो गया, और फिर वो रिश्तेदारों को अपने बहन भाइयों को बताते हैं जी ये हुआ ये हुआ, दूसरे फिर उससे डिस्करेज हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। अगर हम आगाही मुहिम जिस तरह हम चला रहे हैं और लोगों का
माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, उनमें ये अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है. जब लोगों में शऊर आएगा तो फिर ये जो रिलक्टेंस है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. क्योंकि हमने इतने सारे केसेस भी दिखाए हैं जब खुदा ना खास्ता बच्चे को पोलियो हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है. एग्जैक्टली. अच्छा, लोगों को प्लीज ये भी बताएं कि कैसे ट्रांसफर होता है, क्या सिम्टम्स हैं इसके. ट्रांसमिशन तो इसकी देखिए ये है कि ये फीकल मैटर है उससे ट्रांसमिट होता है थ्रू माउथ. आप कोई भी ऐसा फूड या पानी जो कंटेमिनेटेड हो ऐसे फीकल मैटर्स उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है. और जिस भी शख्स को ये वायरस अगर उसकी बॉडी में एंटर होता है इंटेस्टाइन में जाके मल्टीप्लाई करेगा और फिर वही है कि उसके मोशन के साथ या फीकल मैटर के साथ ये मजीद पे ट्रांसमिट होगा. एक सर्कल है जो चलता रहता है. तो इसमें एक तो पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है, हाथ धोना, बाथरूम जाके प्रॉपरली हाथ धोना, सही पानी पीना. हाँ, और सेफ जिसको हम कहते हैं सेफ लेवेटरी प्रैक्टिसेस, यानी कि आपका फीकल मैटर ओपन में उसमें ना हो, जिस तरह गांव देहातों में जिस तरीके से हमारा प्रैक्टिसेस हैं, बिल्कुल ये सब चीजें थोड़ी सी अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भी कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल होगा. ठीक है. और सिम्टम्स इसके यही होते हैं कि सोर थ्रोट हो जाता है, फीवर होगा जो कॉमनली है, टायर्डनेस, फटीग, नौजिया, हेडेक, और नेक स्टिफनेस इसमें बहुत होता है, बैक और नेक. अच्छा, क्योंकि ये नर्व्स पे जाके अटैक करता है. ओके. तो मेन सिम्टम जो है इसका वो ये होता है कि आफ्टर फीवर नेक स्टिफनेस और बैक पेन. ओके. अच्छा, अक्सर थोड़े घबराते हैं वालिदैन के अगर माइल्ड फीवर है, नजला खांसी जुकाम कोई ऐसी भी चीज है बच्चे को, तो वो कहते हैं नहीं नहीं पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे. तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि किस वक्त पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहिए. पोलियो के कतरे हर वक्त पिलाना सेफ है बच्चों के लिए. अच्छा. बट आई वुड टेल यू इट्स क्रिटिकल दैट सिक न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स या बेबीज अंडर 5 दे आर वैक्सीनेटेड. और अगर नहीं वैक्सीनेटेड हैं तो उनको वैक्सीन दी जाए ताकि वो मजीद इन्फेक्शन से जो है सेफ रह सके. क्योंकि जिस वक्त बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है यानी किसी भी इलनेस में होता है उस वक्त वो ज्यादा वल्नरेबल है वायरल इन्फेक्शन पे, चाहे वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो. तो पोलियो वैक्सीन जो है हम तो बल्कि कहते हैं एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कि आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, बीमार बच्चों को तो लाजमन दिया जाना चाहिए. अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, पूरे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा खित्ता है जहाँ ज्यादा पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं, और फिर मतलब वो इलाका जो ऐसा है जहाँ थोड़ा कतरे पिनाने पे थोड़ा हेजिटेट भी करते हैं पेरेंट्स. इसमें देखिए बॉर्डर एरियाज जो है हमारे, स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा जैसे बलूचिस्तान में है, ये हमारा कशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और क्वेटा जो है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इन्फ्लक्स है बॉर्डर्स पे वहाँ पे, और अगर केपी में देखा जाए तो बाजौर का इलाका जो है, क्योंकि ये जो बॉर्डर एरियाज हैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. क्योंकि यहाँ इन्फ्लक्स है लोगों का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे आप जानती हैं कि ये दो मुल्क वाहिद इस वक्त रह गए हैं जहाँ पे पोलियो वायरस की मौजूदगी है. जी, जी, जी. तो ये जब वहाँ से अनवैक्सीनेटेड लोग आते हैं जी, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये इन्फेक्शन भी आ रही होगी. तो इन एनी केस वी हैव आवर अप्रिहेंशंस कि जी आएगी. और हमने यहाँ एटलीस्ट बलूचिस्तान की हद तक हमने जो है पाक चमन जो बॉर्डर है हमारा इस पे हमने स्टैटिक पॉइंट्स बनाए हुए हैं फिक्स ट्रांजिट पॉइंट्स पे. अच्छा. कि वहाँ पे लाजमन जो बच्चे आएंगे उनको हमने पोलियो वैक्सीन देनी. अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल अक्सर किससे सुनने में आए कि बलूचिस्तान में पोलियो वर्कर्स पे हमले भी हुए हैं, तो ऐसे में कैसी सिक्योरिटी फराहम की जाती है. हाँ जी, माजी में ऐसा बिल्कुल होता रहा है, लेकिन हमने लास्ट ईयर से जैसे कैंपेन्स हमने स्टार्ट की थी तो हमने उनके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को ऑन बोर्ड लिया हमने. हाँ. और उनके साथ सिक्योरिटी जो है हमारी टीम्स के साथ बिल्कुल होती है. अच्छा. इस दफा जैसे हमारी 11,388 टीम्स हैं पोलियो की जो कि पूरे प्रोविंस में ये कैंपेन चला रही है, तो इनके साथ हमने 19,200 लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल जो है उनके साथ हैं. अच्छा जी हाँ, ताकि इनको जो एक अक्सर लोग ये होता है कि उनको मालूमात इतनी होती नहीं है, लेकिन बस सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो इसको मुखालफत करने के, तो वो जो है इन टीम्स को काउंटर करते हैं कि जी हमने नहीं पिलाना या रिफ्यूजल है या रिलक्टेंस है. अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बलूचिस्तान में आप मुझे बता सकेंगी कि कितने पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए. लास्ट ईयर हमारे पास 26 केसेस रिपोर्ट हुए थे बलूचिस्तान में ही,
जी हाँ, लेकिन हमने जो लास्ट ईयर से कैंपेन्स हमारी मुख्तलिफ चलती रही हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन की कैंपेन्स में भी और स्पेसिफिकली पोलियो की कैंपेन्स भी जो हमने की हैं, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उसकी कुछ ऑल ओवर पाकिस्तान कुछ गिनती आपके पास है? ऑल ओवर पाकिस्तान देखिए 80% प्लस हो गया, और बलूचिस्तान के स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड 98% ऑफ द चिल्ड्रन। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंप्रूवमेंट आ रही है, और इंशाल्लाह हम फख्र से एक दिन कह सकेंगे कि पाकिस्तान में भी पोलियो का खात्मा हो चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी ये यहाँ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, आपका आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आप उठ गए हमारे शो के लिए, क्योंकि वो वाली बात है ना, फिल्मों में काम कर कर रात रात भर आप लोग काम करते हैं तो एक वो आदत सुबह उठने की थोड़ी ख़त्म हो जाती है, तो अब शुक्रिया, अब जाके सोएंगे। नहीं, अब आँख खुल गई है, अब खुल गई है, अब आँख खुल गई है, अब आप चले सही है भाई। और आपका क्या सिनेरियो होता है, आपका क्या रूटीन होता है? मैं रूटीन सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो और रात को शूटिंग करनी होती है तो वो रात शूटिंग हो तो देर तक जागता हूँ, वरना मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, ओ ग्रेट, बहुत अब दोनों का शुक्रिया। अब हमारा अज़्म है कि हम कौम की आंखें भी खोलेंगे। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर को बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसे मलाई की तरह पोर्ट्रे करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो विलनिश कैरेक्टर्स हो, हीरो सपोर्टिंग रोल, हर तरह के कैरेक्टर्स पे इन्होंने इंसाफ किया है। और मैं तो कहती हूँ नए नौजवान नस्ल को कि इनके काम को देख के वो अपना इंस्टीट्यूशन खुद ही बना लें, क्योंकि ऐसे तो फिर एक्टिंग में पीछे रह जाएंगे, लुक्स को छोड़ के एक्टिंग पे तवज्जो दें। तो जी ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा, क्योंकि इन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल कमाल रहा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।